गुड इवनिंग फ्रेंड्स. सो लास्ट टाइम हम रिटर्न फाइलिंग कर रहे थे. एक मिनट, पेज 25 पर आइएगा. पेज 25 ये रिटर्न फाइलिंग के एग्जॉस्टिव सेक्शंस हैं. ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है. 139(1) द मेन सबसेक्शन, 3 लॉस्ट रिटर्न, 4 बिलेटेड रिटर्न, 4A ट्रस्ट, 4B पॉलिटिकल पार्टी, 4C स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस, 4D 35(1), 2, 1, 3 वाले, 4E 4F बिजनेस ट्रस्ट म्यूचुअल फंड्स वगैरह, 5 रिवाइज रिटर्न, 142(1) आज करेंगे. जहां आपने अगर ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं फाइल की है तो AO के पास पावर होती है कि वो आपको नोटिस भेजकर आपसे रिटर्न मंगा सकता है. ये आज करेंगे. 148 दो या तीन क्लास बात करेंगे. जहां इनकम पकड़ी जाती है आपकी या सर्च एंड सीजर होता है, तो वहां पर पकड़े जाने के बाद, सर्च एंड सीजर हो जाने के बाद आपको 148 नोटिस आता है, जहां आपसे कहा जाता है कि अब आप अपनी सही इनकम बताई. सो रिटर्न फाइलिंग हमारा कंप्लीट हो गया. रिटर्न फाइल करने से पहले लॉ कहता है कि आप अपने AO खुद बन जाइए. आप अपने AO खुद बन जाइए और अपने असेसमेंट करके टैक्स निकाल लीजिए. अपनी असेसमेंट करके टैक्स निकाल लीजिए. 234 ABC का इंटरेस्ट निकाल लीजिए. जो फीस है 234F की वो लगा लीजिए. प्रीपेड टैक्सेस कम कर दीजिए. रिलीफ्स वगैरह कम कर दीजिए. बैलेंस आप पे कर दीजिए. कब? बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम. पेज 23 पर आइएगा. सेक्शन 140A ये कोई असेसमेंट नहीं होती. सो 140A होता है सेल्फ असेसमेंट. ये कोई असेसमेंट नहीं होती. नाम है सेल्फ असेसमेंट. यानी अपना खुद का असेसमेंट करके जो टैक्स इंटरेस्ट बनता है, फीस बनती है, जमा कर दीजिए. कब तक? ड्यू डेट नहीं है. व्हेन यू फाइल द रिटर्न, उस दिन या उससे पहले. वेयर एनी टैक्स टैक्स एंड इंटरेस्ट अंडर 234 ABC एंड फीस अंडर 234F इज पेबल बाय द असेसी ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर सेक्शन 139. 139 मीन्स ऑल द सबसेक्शंस. 139 मीन्स ऑल द सबसेक्शंस. तो देखिए 139, 142, 148. जहां कोई टैक्स इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट अंडर 234 ABC आपको कंप्यूट करना होता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. फीस भी खुद निकालनी होती है 234F की. मालूम है ड्यू डेट निकल गई है, उसके बाद आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 5,000 की फीस लगेगी. इज पेबल बाय द असेसी ऑन बेसिस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर 139 ऑल द सबसेक्शन 142, 148 आफ्टर डिडक्टिंग. डिडक्ट कर दीजिए एडवांस टैक्स, TDS, TCS, relief under section 89, relief under section 1991, relief under section 90A, MAT credit, AMT credit. Clause 6 हम बाद में पढ़ेंगे. ये कुछ अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 20, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इन द चैप्टर ऑफ ESOPs. तो ये बैलेंस आपको जमा करना होता है. Then the assessee shall pay, obligation है, shall pay such tax, interest and fee under 234F before furnishing the return of income. और proof आप attach करेंगे with the return of income. आज तो proof आपको attach नहीं करना होता. Form 26AS में यह सब कुछ reflect हो जाता है. In simple words, the payment required to be made under 148 along with the return of income shall be as under.
इनकम टैक्स निकाल लीजिए इंक्लूडिंग सरचार्ज एजुकेशन सेस ऑन रिटर्न इनकम, ऐड करिए 234 एबीसी, ऐड करिए फीस अंडर 234 एफ, लेस कर दीजिए रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A, 91, लेस कर दीजिए मैट क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 जे, एएमटी क्रेडिट होता है 115 जेडी, लेस कर दीजिए टीडीएस टीसीएस, लेस कर दीजिए एडवांस टैक्स, लेस कर दीजिए रिलीफ अंडर सेक्शन 89 और लास्ट क्लॉज हम इस ऑप्शन से पढ़ेंगे ए प्लस बी माइनस डी माइनस माइनस माइनस, ये आपको पे करना है बाय वे ऑफ सेल्फ असेसमेंट। कब पे करना होगा? बिफोर यू फाइल द रिटर्न। अगर आपने जो पेमेंट की है कम की है, अगर पेमेंट की है सपोज इनकम टैक्स है 1 लाख जो पे करना है आपने, 234 ए बी सी है लेट्स से 40,000 और फीस आपकी 234 एफ की 5,000, 1,45,000 पे करना है आपने सपोज 140 ए में, और आपने पे किया सिर्फ 50,000, तो लॉ कहेगा इसको आप पहले एडजस्ट करिए टुवर्ड्स द फीस, फिर एडजस्ट करिए टुवर्ड्स 234 एबीसी इंटरेस्ट, और फिर एडजस्ट करिए टुवर्ड्स इनकम टैक्स। ऐसा लॉ क्यों कराता है आपको समझ में आएगा जब आप 234 बी करेंगे, इनफैक्ट 234 एबीसी करेंगे तो इस बात समझ में आएगी। अभी हम मगअप कर लेते हैं। तो अगर जो पेमेंट किया आपने 140 ए में, इट इज लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर 140 ए, तो लॉ कहेगा उसे आप एप्रोप्रिएट करिए फर्स्ट वर्ड्स 234 एफ फीस, सेकंड वर्ड्स 234 एबीसी इंटरेस्ट एंड बैलेंस टुवर्ड्स इनकम टैक्स। वेयर द अमाउंट पेड बाय द असेसी, इनका क्वेश्चन है कि अगर मैं कम पे करूंगा तो रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं पे करते या कम पे करते हैं, रिटर्न फाइल हो जाएगी आपकी, रिटर्न फाइल हो जाएगी, बट अभी हम पढ़ेंगे कि आप असेसी इन डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। वेयर द अमाउंट पेड बाय द असेसी अंडर 140A इज लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर 140A, आपने पे करना चाहिए था 145, आपने पे किया 50,000, देन द अमाउंट सो पेड शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड्स व्हाट, 234 एफ फीस, देन टुवर्ड्स इंटरेस्ट अंडर 234 एबीसी एंड बैलेंस टुवर्ड्स इनकम टैक्स। ऐसा लॉ क्यों कराता है हम देखेंगे इन 234 एबीसी। यहां देखिए मैंने 95,000 कम पे किया है, यहां 95,000 कम पे किया है, तो अब लॉ कहेगा जो आपने कम पे किया है उसके लिए हम आपको डिक्लेयर कर देंगे असेस इन डिफॉल्ट, हम आपको डिक्लेयर कर देंगे असेस इन डिफॉल्ट। कब से? जब आपने रिटर्न फाइल की उससे नेक्स्ट डे से। और अगर असेसी इन डिफॉल्ट बन जाते हैं आप, तो आपको 220-221 में इंटरेस्ट पेनल्टी देनी पड़ती है। इफ द असेसी फेल्स टू पे, पेज 23 पॉइंट नंबर 2, इफ द असेसी फेल्स टू पे द होल और पार्ट ऑफ द टैक्स और इंटरेस्ट ऑफ फी अंडर 234 एफ required to be paid under 140A, तो क्या होगा? He shall be deemed to be an assessee in default in respect of the tax interest fees जो आपने नहीं पे किए। Assessee will have to pay interest under section 220, तो अगर आप assessee in default declare हो जाते हैं तो अगले दिन से आपको 220 में interest देना होता है 1% per month, और 221 में penalty लगती है आपको, पेनल्टी होती है जितना अमाउंट नहीं पे किया, शॉर्ट पे किया है उतने तक की पेनल्टी लग सकती है। यहां एओ की डिस्क्रिप्शन होती है पेनल्टी, ₹1,000 भी लगा सकता है या मेरे एग्जांपल में 95,000 भी पेनल्टी लगा सकता है, पेनल्टी लगा सकता है। एग्जांपल देखिएगा, इनकम टैक्स इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस 1 लाख है,
इंटरेस्ट अंडर 234 एबीसी है 40,000, 234 एफ की फीस है 5,000, टीडीएस एडवांस टैक्स पेड है 50,000, रिलीफ अंडर सेक्शन 90 है 5,000, आपको पेमेंट करनी है 90,000, ड्यू डेट है आपको 31/7/21 और आपने रिटर्न जमा की है लेट 30/9/21 को, तो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कब पे करना था, इस दिन आपने पे किया है ओनली 60,000, 90,000 पे करना था 90,000, बट पे किया आपने 60,000, तो क्या करेंगे 60,000 को हम पहले एडजस्ट करेंगे फीस अंडर 234 एफ 5,000, फिर एप्रोप्रिएट करेंगे 234 एबीसी इंटरेस्ट 40,000 और 15,000 हम एप्रोप्रिएट करेंगे टुवर्ड्स इनकम टैक्स। हम देखेंगे कि इससे आपका 234 बी का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जब करेंगे तब देखेंगे। द असेसी शैल बी डीम्ड टू बी एन असेस इन डिफॉल्ट, किस दिन से, नेक्स्ट डे से जब रिटर्न फाइल कर दी, फ्रॉम 1/10/21 फॉर रुपीज 30,000 जो शॉर्टफॉल है, ही शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर 220 एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 221 फॉर बीइंग एन असेस इन डिफॉल्ट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिएगा, इनकम टैक्स है 1,00,000, 234 एबीसी 10,000, 15,000, फीस है मेरी 5,000, टीडीएस एडवांस टैक्स है 66,000, 89 का रिलीफ है 9,000, पेमेंट करनी है 70,000, ड्यू डेट है आपकी 31/10/22, रिटर्न फाइल किया आपने 31/12/22 और पे किया सिर्फ 20,000, यानी बहुत कम पे किया आपने ऑन 31/12/22 और बैलेंस 50,000 आप पे करते हैं 4/4/23 को। तो अब जो 20,000 पे किया आपने 140A में, उसे पहले एप्रोप्रिएट करेंगे टुवर्ड्स फीस अंडर 234F 5,000 रुपए एंड देन टुवर्ड्स इंटरेस्ट अंडर 234ABC। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कौन सी इंटरेस्ट में करूं, ए बी सी बाद में देख लेंगे, आप किसी में भी एप्रोप्रिएट कर दीजिए फर्क नहीं पड़ता। सो 234ABC में से किसी भी इंटरेस्ट में एडजस्ट कर दीजिए बैलेंस, नथिंग शैल बी एप्रोप्रिएटेड टुवर्ड्स इनकम टैक्स। असेसी को हम असेसी इन डिफॉल्ट मानेंगे, 55,000 जो शॉर्ट पे किया आपने, 50,000 जो 50,000 आपने शॉर्ट पे किया 50,000 के जैसे 50,000 फ्रॉम 1/1/23 असेसी इंटरेस्ट पे करेगा 50,000 इंटू 4 मंथ्स इंटू 1% 2,000 और एओ पेनल्टी लगा सकता है जितने का आपने शॉर्ट पेमेंट किया उतने तक की पेनल्टी लगा सकता है, यानी 50,000 तक की पेनल्टी लगा सकता है। अब देखिए मैंने इंटरेस्ट पता कैसे निकाला है, 1/1/23 से लेकर आपने जमा किया है 4/4/23, इट इज फोर मंथ्स, पार्ट ऑफ द मंथ को हम फुल मंथ मानते हैं इनकम टैक्स में, क्लियर है। आइएगा पेज 15 पर, काफी हद तक ये सेक्शन बेकार हो चुका है, 139.9। तो मैंने बताया अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स कम पे किया है या नहीं पे किया है, रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी। रिटर्न डिफेक्टिव कब मानी जाती है, सो सेक्शन 139.9 डील करता है कि व्हेन शैल द रिटर्न बी कंसिडर्ड एज डिफेक्टिव। यह सेक्शन अब काफी हद तक बेकार हो चुका है। अ रिटर्न शैल बी कंसिडर्ड एज डिफेक्टिव रिटर्न अनलेस इट इज अकंपनीड बाय ऑल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। रिटर्न आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में भरनी है जो ITRs होते हैं विद ऑल अनेक्सस कॉलम स्टेटमेंट्स ड्यूली फिल्ड इन,
और आज अगर आप कोई अनेक्शन कॉलम छोड़ देंगे ब्लैंक, रिटर्न अपलोड ही नहीं होती। अ स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, ये तो रिटर्न ऑफ इनकम का पार्ट होता है, आईटीआर में ही बनानी होती है आपको ये। प्रूफ ऑफ टैक्स इफ एनी क्लेम टू हैव बीन पेड, डिडक्टेड, कलेक्टेड, एंड एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स इफ पेड। तो प्रैक्टिकल ये भी इरेलेवेंट है, मैं आज मेरी रिटर्न पेपरलेस होती है, मैं कोई टीडीएस सर्टिफिकेट, टीसीएस सर्टिफिकेट लगाता ही नहीं हूं, ना ही एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स के चालान लगाता हूं, वो तो 26AS में सारा मेरा पोस्ट हो जाता है। तो मैंने कहा ये सब बेकार हो चुका है। आज पहले एक अमेंडमेंट आई थी कि अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं जमा करेंगे, पूरा जमा नहीं करेंगे, तो रिटर्न आपकी डिफेक्टिव मान ली जाएगी। एक अमेंडमेंट आई थी कि अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पूरा जमा नहीं करेंगे 140A वाला, तो रिटर्न आपकी डिफेक्टिव मान ली जाएगी। और अभी हम पढ़ेंगे कि डिफेक्ट विद इन 30 डेज ठीक नहीं होता तो रिटर्न वॉइड डिक्लेयर कर दी जाती है। अरुण जेटली ने कहा ऐसे लॉ की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं पे किया आपने तो वहां पर हम असेसिन डिफॉल्ट बना देते हैं आपको, आपका इंटरेस्ट चलता रहेगा, पेनल्टी लगा देंगे हम आपके ऊपर, एंड देयरफॉर ये क्लॉज डिलीट कर दिया गया। यानी पहले लॉ में अमेंडमेंट आई थी कि रिटर्न डिफेक्टिव मानी जाएगी अनलेस द टैक्स इंटरेस्ट वगैरह आप नहीं पे करते बिफोर द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, ये डिलीट कर दी गई है। यानी आज अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं पे करेंगे, पूरा या आधा या कम पे करते हैं, मतलब पूरा पे नहीं करते या कम पे करते हैं, तो रिटर्न डिफेक्टिव नहीं मानी जाएगी, इट्स अ वैलिड रिटर्न। तो एक क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम का पास्ट ईयर्स में कि असेसर ने सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं पे किया, एओ रिटर्न को डिफेक्टिव मानकर वॉइड डिक्लेयर करना चाहता है, कर सकता है या नहीं? नो। इफ टैक्स इंटरेस्ट फीस पेबल इन अकॉर्डेंस विद 140A सेल्फ असेसमेंट हैव नॉट बीन पेड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, देन रिटर्न इज अ वैलिड रिटर्न एंड इज नॉट अ डिफेक्टिव रिटर्न एज पर अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 16। प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 16 इस रिटर्न को डिफेक्टिव मान लिया जाता था। द रीजन फॉर अमेंडमेंट इज दैट इफ द असेसर डज नॉट पे टैक्स इंटरेस्ट फीस अंडर 140A ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, then he is deemed to be an assessment default for which he has to pay interest under 220, penalty under 221. So there is no need to declare the return as defective. Report of audit lagani aapko. Aaj ye bhi clause bekar hai because aaj to tax auditor khud return, tax audit report upload karta hai. जहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया तो आपको लगानी है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये कुछ नहीं लगाना होता आपको, कैपिटल अकाउंट, ये सब कुछ नहीं लगाना होता। प्रैक्टिकली बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर ऑडिट हुए हैं तो अपलोड किए जाते हैं वो। सो ये सब कुछ आज बेकार हो गया है, रिटर्न्स आपकी पेपरलेस होती है। सो यू कैन लीव आउट ऑल दिस, थ्योरेटिकल है सारा। की नोट, सो डिफेक्टिव रिटर्न मोर और लेस इरेलीवेंट हो गया है, थ्योरी के लिए रेलिवेंट है बट थ्योरी में भी रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये सब कुछ आप फाइल ही नहीं कर सकते, चाहकर भी फाइल नहीं कर सकते आज। की नोट कहता है कि अगर एओ देखता है कि रिटर्न डिफेक्टिव है, आपको डिफेक्ट इंटीमेट करेगा और 15 डेज का टाइम देगा या एक्सटेंडेड टाइम पीरियड देगा टू क्योर द डिफेक्ट, डिफेक्ट ठीक कर दीजिए, और अगर डिफेक्ट ठीक नहीं किया आपने तो रिटर्न को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इफ द ईओ कंसिडर्स दैट द रिटर्न इज डिफेक्टिव देन ही मे इंटीमेट द डिफेक्ट टू द असेसी एंड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच इंटीमेशन। He can also extend this time period on application made by the assessee
और अगर सेसी डिफेक्ट ठीक नहीं करता विद इन द सेट पीरियड ऑफ 15 डेज और एक्सटेंडेड टाइम पीरियड देन रिटर्न शैल बी ट्रीटेड एज वॉइड एब इनिशियो एंड इट शैल बी डीम्ड दैट असेसी हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न. आगे लॉ में लिखा हुआ है कि अगर असेसी डिफेक्ट ठीक कर देता है 15 डेज या एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के बाद बट असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले तो एओ आपका डिले कंडोन करके रिटर्न वैलिड मान लेगा. प्रोवाइडेड दैट वेयर असेसी रेक्टिफाइज द डिफेक्ट आफ्टर द अफोर्सेड पीरियड ऑफ 15 डेज और एक्सटेंडेड टाइम पीरियड बट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट एओ मे कंडोन द डिले एंड ट्रीट द रिटर्न एज वैलिड रिटर्न. आधार, कोटिंग ऑफ आधार, हर कंट्री में सिटीजन का एक नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. जैसे हमारी कंट्री में इन्होंने कहा कि नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा, आधार नंबर. अब गवर्नमेंट ने देखा कि अराउंड 110 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है बट पैन कार्ड सिर्फ 33 करोड़ लोगों के पास है. ये मैंने लास्ट डेटा देखा था, गूगल में आ रहा था, अब शायद चेंज हो गया बट सम टाइम बैक आई सॉ दिस डाटा इन गूगल कि इंडिया में 110 करोड़ लोगों के पास आधार नंबर है बट सिर्फ 33 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है. गवर्नमेंट चाहती है सबके पास पैन नंबर हो और ये पैन जो है इट शुड बी लिंक विद आधार, यानी ये एक लिंक्ड डॉक्यूमेंट बन जाए आपका. इससे क्या होगा कि ट्रांजैक्शंस आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएंगी और टैक्स इवेजन भी पकड़ा जाएगा एंड देयरफॉर इन्होंने मैंडेटरी किया. ये डेट रेलेवेंट नहीं है कि 1 जुलाई 2017 के बाद अगर आप पैन अप्लाई करेंगे तो आधार होना मस्ट है. 1 जुलाई 2017 या उसके बाद आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आधार कोट करना मस्ट है, नहीं करेंगे आपको पैन अलॉट ही नहीं होगा, रिटर्न अपलोड ही नहीं होगी. सो 1 जुलाई 2017 डेट नहीं याद करनी है आपने, उस दिन या उसके बाद आप पैन अप्लाई करेंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर अप्लाई करेंगे या फिर रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका पैन एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे हम, रिटर्न एक्सेप्ट ही नहीं होगी, अपलोड नहीं होगी जब तक आप आधार नंबर नहीं देते. एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल क्या कंपनी को भी आधार कोड करना होगा? नो, आधार तो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होता है. सो कंपनी को आधार अप्लाई नहीं करना होता, इट्स नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर आधार. आधार इज ओनली फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर शेल ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017 कोट द आधार नंबर शेल कोट, मतलब कोट करना कंपल्सरी है, इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन इन द रिटर्न ऑफ इनकम. और अगर आप कोट नहीं करेंगे तो पैन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, पैन अलॉट नहीं होगा और रिटर्न आपकी अपलोड नहीं होगी. आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अगर पैन आपको अप्लाई करना है, अप्लाई नहीं करते आप, देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 10,000, देयर इज अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000. आपको बड़ी सारी ट्रांजैक्शन से पैन कोट करना होता है, नहीं कोट करेंगे अगेन देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 10,000.
प्रोवाइडेड में लिखा है कि अगर आपने आधार अप्लाई कर दिया है, अभी आधार कार्ड आया नहीं है, तो जब आपने आधार अप्लाई किया होगा तो आपको एक एनरोलमेंट आईडी मिलेगी, वो कोट कर दीजिए, सफिशिएंट कंप्लायंस है। प्रोवाइडेड एट वे द पर्सन डज नॉट पोजेस आधार नंबर, द एनरोलमेंट आईडी ऑफ द आधार एप्लीकेशन फॉर्म इशू टू हिम एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट शैल बी कोटेड इन द एप्लीकेशन फॉर पेन और इन द आईटीआर फर्निश्ड बाय हिम, सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाएगा, कोई हार्डशिप नहीं है यहां पर। अगर आप 1 जुलाई 2017 या उसके बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आधार कोट करना मस्ट है, बिना आधार के रिटर्न फाइल नहीं होगी। आप पेन अप्लाई करेंगे तो पेन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी जब तक आप आधार नंबर नहीं देते। अब जिनको पहले पैन कार्ड इशू हो चुके हैं, अब ये पैन कार्ड की लिंकिंग करवा रहे हैं आधार के साथ, एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन नंबर एज ऑन 1 जुलाई 2017, आपको पैन अलॉट हो चुका है, एंड हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर, कंपनी कवर नहीं है, कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर, इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, शैल इंटीमेट हिज आधार नंबर टू द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स बाय 30th September 2021। ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है, पहले 31st March 2020 थी, फिर 31st March 2021 की गई, अब 30th September 2021 कर दी गई बिकॉज ऑफ कोविड। तो 1 जुलाई 2017 से पहले आपको पैन अलॉट हो चुका है, तो आप इनकम टैक्स वालों को, इस अथॉरिटी को, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में अपना आधार नंबर इंडिकेट करेंगे, इंटीमेट करेंगे, एंड डेट इज 30th September 2021, ताकि आपका आधार और पैन कार्ड, पैन नंबर लिंक हो जाए। और अगर आप पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक नहीं कराएंगे, यानी इनकम टैक्स अथॉरिटी को अपना आधार नंबर इंटीमेट नहीं करेंगे बाय 30 सितंबर 2021, तो हम क्या करेंगे, आपका पैन इन ऑपरेटिव कर देंगे, पैन इन ऑपरेटिव कर देंगे, यानी 30 सितंबर 2021 तक आपने इंटीमेट नहीं किया क्या आधार नंबर, यानी लिंक नहीं कराया, तो 1 अक्टूबर 2021 से आपका पैन इन ऑपरेटिव हो जाएगा। पहले लॉ कहता था इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे, अब कह रहे हम इन ऑपरेटिव डिक्लेयर कर देंगे। तो क्या होगा, अगर 30 सितंबर 2021 तक आपने लिंक नहीं कराया, तो 1 अक्टूबर से आपका पैन इन ऑपरेटिव हो जाएगा, और वापस ऑपरेटिव कब होगा, जब आप लिंक करा लेंगे। सपोज आप 17-10 को लिंक करा लेते हैं, इस दिन से हम ऑपरेटिव कर देंगे, और इस बीच अगर आपको कहीं पैन कोट करना था, आपने ये वाला पैन कोट कर दिया, फिर तो इनऑपरेटिव पैन कोट किया है, पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज, क्योंकि पैन तो इनऑपरेटिव था। तो ये फोर्स कर रहे हैं आपको कि लिंक कराइए अपना पैन विद आधार, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ फेलियर टू इंटीमेट द आधार नंबर, द परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉटेड टू द पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी, पहले कहा था इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी, अब ये इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर रहे, और पहले लॉ में लिखा था कि हम मानेंगे पैन आपको अलॉट ही नहीं हुआ, इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लॉ चेंज कर दिया, इन्होंने कहा कि अगर आपने इंटीमेट नहीं किया आधार,
बाय 30 सितंबर 21, यानी लिंकेज नहीं कराई, तो हम आपका पैन नंबर इनऑपरेटिव कर देंगे 1 अक्टूबर 21 से, इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. अभी पढ़ते हैं. ये प्रोविजंस नहीं लगते, यानी आधार लेना मैंडेटरी नहीं है, आधार को लिंक करवाना मैंडेटरी नहीं है पैन के साथ किसको. द प्रोविजंस ऑफ 139AA, द प्रोविजंस ऑफ, ये हम 139AA कर रहे हैं, शैल नॉट अप्लाई टू एन इंडिविजुअल हु डज नॉट पोजेस आधार नंबर और एनरोलमेंट आईडी एंड इज, आप रेजिडेंट हैं आसाम के, जम्मू कश्मीर के, मेघालय के, तो एग्जेम्पशन है आप, या नॉन रेजिडेंट है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है यानी 8 ईयर्स और मोर, या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, रेजिडेंट है बट सिटीजन नहीं है, तो इन 4 केसेस में एग्जेम्पशन है. इट इज क्लैरिफाइड दैट एक्सेप्ट फॉर द पर्संस रेफर्ड इन नोट नंबर 1 अबव, ऑल पर्संस हैव टू कोट आधार नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर पैन एंड इन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड एनी टाइम ऑन और आफ्टर 1/7/17 और 30/9/21 तक लिंक कराना भी सबके लिए मैंडेटरी है. अगर आपने पैन लिंक नहीं कराया आधार से 30 सितंबर 21 तक, ये नया लॉ है, आ जाएगा एग्जाम में, याद रखिएगा. मैनर ऑफ मेकिंग पैन इनऑपरेटिव रूल 114AAA आया है. वेर अ पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन एज ऑन 1 July 17 एंड इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट हिज आधार नंबर अंडर 139AA हैज फेल्ड टू इंटीमेट द सेम ऑन और बिफोर 30 September 21, तो पैन इनवैलिड डिक्लेयर नहीं होगा, 1 अक्टूबर से इनऑपरेटिव हो जाएगा. द पैन नंबर ऑफ सच पर्सन शैल बिकम इनऑपरेटिव इमीडिएटली आफ्टर द सेट डेट फॉर द पर्पज ऑफ फर्निशिंग इंटीमेटिंग एंड कोटिंग द पैन अंडर द एक्ट. सो 1 अक्टूबर से इनऑपरेटिव हो जाएगा. तो अगर मेरा पैन इनऑपरेटिव था 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक और मैंने ये पैन कहीं कोट कर दिया, पेनल्टी ऑफ 10,000. जहां जहां कोट करेंगे आप, अगर सपोज आपने 4 डॉक्यूमेंट्स में कोट किया, तो हर डॉक्यूमेंट में जहां कोट किया है पेनल्टी ऑफ 10,000. अभी पढ़ेंगे ये सब. रूल 2 देखिएगा. वेयर अ पर्सन हुज पैन हैज बिकम इनऑपरेटिव अंडर सब रूल 1, जहां आपका पेन इनऑपरेटिव हो गया और आपकी रिक्वायरमेंट टू फर्निश इंटीमेट कोट इज पेन नंबर, किसी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आपको ये पेन कोट करना है और आप कोट कर देते हैं, इट शैल बी डीम्ड दैट ही हैज नॉट फर्निश इंटीमेटेड और कोटेड द पेन नंबर. तो 1/10/17 से 17/10/17 तक जब पेन इनऑपरेटिव था, आपको कहीं कोट करने की रिक्वायरमेंट, आपने कोट कर दिया, ये माना जाएगा आपने कोट नहीं किया है. इट शैल बी डीम्ड दैट ही हैज नॉट फर्निश्ड इंटीमेटेड और कोटेड द पेन नंबर एज द केस में बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड ही शैल बी लायबल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस अंडर दिस एक्ट फॉर नॉट फर्निशिंग इंटीमेटिंग और कोटिंग द पेन नंबर. देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 10,000. So, मेरा पेन लिख लीजिएगा इन ऑपरेटिव था फ्रॉम 1/10/21 टू 17/10/21. असेसी डिपॉजिट करता है कैश इन बैंक ₹5 lakh on 10/10/21 and quotes pen.
सो अगर 50,000 से ऊपर बैंक में कैश जमा करते हैं तो आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी होता है. तो ये माना जाएगा डीम्ड दैट असेसी हैज नॉट कोटेड पैन, और यहां पेनल्टी लग जाएगी ₹10,000. तो देखिए फोर्स कर रहे हैं आपको कि लिंक कराइए. लिंक कराने से फायदा यह है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट अब हर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर सकती है. और अभी देखेंगे इन्होंने फर्दर क्या अमेंडमेंट्स किए हैं. अभी देखते हैं. सब रूल 3 देखिएगा. ये कहते हैं सो मैंने यहां पर पेन सॉरी आधार इंटीमेट किया है 18/10/21 को. मैंने आधार इंटीमेट किया है 18/10/21 को. तो लॉ कहेगा इस दिन से हम पेन ऑपरेटिव कर देंगे. तो मैंने 17/10 तक इन ऑपरेटिव माना है. देखिए तो जिस दिन आप इंटीमेट करेंगे अपना आधार उस दिन से पेन आपका ऑपरेटिव बन जाएगा. सो वेर अ पर्सन रेफर टू इन सब रूल 1 हैज इंटीमेटेड इज आधार नंबर under 139AA after 30th September 21, in my example 18th September, तो his PAN number will become operative from the date of intimation. यानी 18 September से आपका PAN operative हो जाएगा for the purpose of furnishing, quoting and PAN under this act. एक fees लेके आए हैं by Finance Act 21. कि अगर 30 सितंबर 21 तक आपने लिंकेज नहीं कराई थी, आधार नंबर कोट नहीं किया था, बाद में करते हैं, तो जब बाद में इंटीमेट करेंगे तो एक फीस देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ इंटीमेशन. ये फीस मैक्सिमम ₹1,000 होगी. और कब जमा करनी है? जब आप इंटीमेट करेंगे. फीस अप टू ₹1,000 है. इसके स्लैब्स गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, अभी प्रिस्क्राइब नहीं हुए हैं. फीस फॉर डिफॉल्ट रिलेटिंग टू इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वेयर अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट हिज आधार नंबर अंडर 139AA एंड सच पर्सन फेल्स टू डू सो ऑन और बिफोर 30 सितंबर 21 देन ही शैल बी लायबल टू पे प्रिस्क्राइब फीस. फीस देनी है आपको. यानी इंटीमेशन आपकी जमा ही नहीं होगी जब तक आप फीस नहीं जमा करेंगे. ये फीस होगी 1000. और कब जमा करनी है ये आपने? एट द टाइम ऑफ मेकिंग द इंटीमेशन. अगर इंटीमेशन दे रहे हैं आप 30 सितंबर 21 के बाद. क्लियर है? ओके. पेज 18 पर आइए. आपको पैन नंबर अप्लाई करना मैंडेटरी होता है अगर आपकी इनकम जो है टैक्सेबल लिमिट से एक्सीड कर रही है. नंबर 2, अगर आपका सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स 5,00,000 से ऊपर है. 3, जहां चैरिटेबल ट्रस्ट है और 4A में रिटर्न फाइल करनी है वहां मैंडेटरी है. अगर आप कोई भी फाइनेंशियल रेजिडेंट अदर देन इंडिविजुअल यानी कंपनी वगैरह वैसे एंड मैंडेटरी आज फर्म यूपी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं अमाउंट एग्रीगेटिंग 250 और मोर इन द फाइनेंशियल ईयर सभी के लिए मैंडेटरी हो गया. 250 तो कुछ भी नहीं है. या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है पार्टनर है ट्रस्टी है ऑथर है इन बस इसके
इसके आप डायरेक्टर वगैरह हैं, या फिर आप कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस एंटर करते हैं, ये छोड़ सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं। अब जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो देखिएगा। आप ये कह रहे हैं, अच्छा बड़ी सारी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में आपको पैन देना मैंडेटरी होता है, 50,000 से ऊपर कैश जमा करते हैं बैंक में, पैन देना मैंडेटरी होता है। इक्विपमेंट खरीदते हैं 2,00,000 से ऊपर का, पैन देना मैंडेटरी होता है। शेयर्स खरीदते हैं, पैन देना मैंडेटरी होता है। तो आप ये कहेंगे कि जहां आपका पैन एन आधार लिंक्ड है, और आपको पैन कोट करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप पैन या आधार में से कुछ भी कोट कर दीजिए, ड्यू कंप्लायंस मांगनी चाहिए। सो अगर पैन आधार लिंक्ड है आपका, और कहीं भी एक्ट में आपको पैन फर्निश करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप पैन या आधार नंबर दोनों में से एक कोट कर दीजिए, आपकी क्या नाम माना जाएगा, कंप्लायंस हो गया है। जहां आपके पास आधार है, इज देयर, और पैन आपके पास नहीं है, जहां आपके पास आधार है पैन नंबर नहीं है, तो क्या करिए, आप आधार नंबर कोट कर दीजिए, और हमारा एओ आपको फ्री में पैन अलॉट कर देगा। बड़ी क्लेवर मूव है, बड़ी क्लेवर मूव है कि आपको पैन हम अलॉट कर देंगे, अगर पैन नंबर नहीं है आधार नंबर कोट कर दीजिए, हम आपको ऑटोमेटिक पैन अलॉट कर देंगे, आपको पैन नंबर अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। देखिएगा, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इंटीमेट और कोट इज पैन नंबर अंडर दिस एक्ट एंड आपको पैन नंबर कोट करने की रिक्वायरमेंट है, और आपको पैन अलॉट नहीं हुआ है, बट आपके पास आधार है, आप आधार कोट कर दीजिए, और हमारा एओ आपको पैन अलॉट कर देगा फ्री में। आधार में आपके सारे पर्टलर्स होते हैं जो पैन में रिक्वायर्ड होते हैं, आधार की अथॉरिटी से एओ सारी इंफॉर्मेशन लेके पैन अलॉट कर देगा। इनफैक्ट एओ पैन अलॉट नहीं करता, पैन तो एनएसडीएल अलॉट करती है आज। सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इंटीमेट कोट इज पेन अंडर दिस एक्ट एंड हु हैज नॉट बीन अलॉटेड पेन बट पॉजेसेस आधार मे फर्निश इंटीमेट कोट इज आधार नंबर इन लियो ऑफ सच पेन नंबर एंड सच पर्सन शैल बी अलॉटेड पेन इन द प्रिस्क्राइब मैन। तो अब जहां भी पैन कोट करने की रिक्वायरमेंट, आपका पैन नहीं है आधार कोट कर दीजिए, और यहां पर लिंक नहीं है मेरा, पैन ही नहीं, तो हम आपको पैन अलॉट कर देंगे। नंबर टू, आपके पास पैन नंबर है एंड आपने लिंक किया वो आधार नंबर के साथ, तो आप आधार नंबर या पैन नंबर कोई भी कोट कर सकते हैं। रिपीट करता हूं, देखिए वो फर्क है, वो था आपके पास पेन है तो पेन को आधार से लिंक कराना है, जो हमने 139AA में पढ़ा था, वहां पर पेन है तो पेन को आधार से लिंक कराना है, यहां पर क्या है, पेन है ही नहीं मेरे पास, यहां पर पेन है ही नहीं मेरे पास, तो कह रहे आधार कोड कर दीजिए, हम आपको पेन अलॉट कर देंगे, ऑटोमेटिक लिंकेज हो गई। सो
कंफ्यूज मत होइए, ये जो आपने 139AA पढ़ा था यहां पर क्या था कि यू हैव द पेन, यू हैव द पेन, यू हैव पेन, तो लिंक कराइए, लिंक कराइए, ठीक है। आप जो पढ़े ये क्या है, यू डोंट हैव द पेन, यू डोंट हैव द पेन, तो आप जहां भी पेन कोट करने की रिक्वायरमेंट आधार नंबर दे दीजिए, हमारा एओ आपको ऑटोमेटिकली पेन अलॉट कर देगा, और जहां आपका पेन आधार लिंक्ड है तो आप दोनों में से कोई भी कोट कर दीजिए, हम इक्वल मानेंगे, कंप्लायंस मानेंगे, क्लियर है। सो 139AA में यह था कि जहां पेन है वह लिंक कराइए, 139A 5A में है, 5A में है, जहां पेन नहीं है वहां आधार दे दीजिए, हम पेन लॉट कर देंगे आपको, और जहां पेन आधार लिंक्ड है आप कोई भी दे दीजिए, ड्यू कंप्लायंस मानी जाएगी। अब ये 6A 6B लेके आए, मैंने एक्सिस बैंक में कैश जमा किया 5,00,000 रुपए का, तो 6A कहेगा कि मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं प्रूफ करूं कि पैन आधार मेरा है। 6B में एक्सिस बैंक पे ऑब्लिगेशन होगी कि जो रिसीव कर रहा है पैन आधार वो ऑथेंटिकेट करके रिसीव करेगा। बैंक की बात छोड़िए, क्या होता है, जैसे मैंने 1,00,000 का टेलीविजन लिया तो मुझे शॉपकीपर को पैन नंबर देना पड़ता है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, तो लोग क्या करते थे, अपना ड्राइवर का पैन दे दिया, अपने सर्वेंट का पैन दे दिया, किसी अननोन पर्सन का पैन दे दिया। अब ये कहते हैं जो पैन देगा दुकानदार को उसे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, और दुकानदार पे ऑब्लिगेशन है जो लेगा पेन वो भी ऑथेंटिकेट करके लेगा। तो गॉन ऑफ द डेज कि आप किसी का भी पेन उठाकर दे देते थे अननोन पर्सन, ड्राइवर वगैरह का। 6A एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू सच ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा है, जिसको कोट करना है, वो पेन ऑथेंटिकेट करेगा। ऑथेंटिकेट वेबसाइट पे जाइए, वहां जाके ऑथेंटिकेट करिए, शॉपकीपर कहेगा ये पैन कार्ड आपका, ये प्रूफ करिए, उससे कहिए एनएसएल की साइट पे जाए चेक करें, और आज कंप्यूटर सबके पास होते हैं। एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू सच ट्रांजैक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल कोट एज पैन और आधार एज द केस मे बी इन द डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू सच ट्रांजैक्शन ऑल्सो ऑथेंटिकेट, कोट भी करेगा और ऑथेंटिकेट भी करेगा सच पैन आधार इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। और 6B में जो शॉपकीपर पैन ले रहा है, आधार ले रहा है, उसकी ड्यूटी है वो चेक करे, ऑथेंटिकेट करे ये आपका ही पैन है या आधार है। एवरी पर्सन रिसीविंग एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन रेफर टू इन सबसेक्शन 6A एनश्योर दैट पैन आधार एज द केस मे बी हैज बीन ड्यूली कोटेड इन सच डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो एंश्योर दैट सच पेन आधार इज सो ऑथेंटिकेटेड, यानी जो देने वाला है वो भी ऑथेंटिकेट करेगा और लेने वाला वो भी ऑथेंटिकेट करेगा। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी, ये इसलिए किया गया ताकि आप फर्जी पेन ना दे सके। ऑथेंटिकेशन क्या होती है, मीन्स द प्रोसेस बाय विच द पेन आधार अलॉन्ग विद डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज सबमिटेड टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी और सच अथॉरिटी एजेंसी NSDL फॉर वेरिफिकेशन एंड सच अथॉरिटी एजेंसी वेरीफाइज द करेक्टनेस और लैक देयर ऑफ। तो आज NSDL की साइट पर जाकर अपना पैन डालिए, आधार डालिए, इनफैक्ट आधार की साइट अलग है, उस पर जाकर आधार नंबर डालिए, आपकी फोटो बायोमेट्रिक्स वगैरह सब आ जाते हैं।
आपने, आपके पास पेन नहीं, पेन नहीं है, तो कह रहे आधार कोड करते जब आपको पेन अलॉट कर देंगे, और उसका प्रोसीजर आ गया है। आपके पास पेन नहीं था, पेन कोड करना था, कह रहे आधार कोड कर दीजिए और हमारा एओ आपको पेन अलॉट कर देगा। एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड अ पेन बट पॉजेसेस आधार नंबर एंड हैज फर्निश इंटीमेटेड कोटेड द आधार नंबर लियो ऑफ पेन इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 5E शैल बी डीम्ड, ये मान लिया जाएगा आपने अप्लाई कर दिया है फॉर पेन नंबर और उसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पेन अप्लाई करने के लिए, ना ही कोई फीस देनी है। एंड एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड पेन बट पॉसेसेस आधार मे अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ पेन। सो अगर आपके पास पेन नहीं है, आधार है, तो आप अलॉटमेंट ऑफ पेन के लिए अप्लाई कर दीजिए टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटीज बाय इंटीमेटिंग द आधार नंबर, और यानी आपको क्या नाम किसी डॉक्यूमेंट में कोट नहीं करना पेन नंबर, बट आपको पेन नंबर चाहिए, आपको आधार है, तो अब आप NSDL के पास आधार नंबर दे दीजिए, वो आपको ऑटोमेटिकली पेन अलॉट कर देंगे। पेनल्टीज, पेनल्टी 10,000 रुपए की है। ये पहला है कि आपको पेन अप्लाई करना था, इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है और आपने अप्लाई नहीं किया, पेनल्टी ऑफ 10,000। दूसरा है आपको पेन कोट करना था, आपको पेन कोट करना था, आपने पेन कोट नहीं किया या गलत पेन कोट कर दिया, किसी और का पेन कोट कर दिया, देन देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज। सो पहला है कि आपने पेन अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट थी, पेनल्टी ऑफ रुपीज 10,000। दूसरा है जहां आपको कोट करना है आप कोट नहीं करते, या फिर किसी गलत पर्सन का पेन नंबर कोट कर देते हैं, गलत पेन कोट कर देते हैं, पेनल्टी ऑफ 10,000। तीसरा है 2A, जैसे मैं दुकानदार के पास गया, अपना पेन दिया, अगर मैंने ऑथेंटिकेट नहीं किया, पेनल्टी ऑफ 10,000। यानी जो दे रहा है वो ऑथेंटिकेट करेगा, नहीं ऑथेंटिकेट करेगा, पेनल्टी ऑफ 10,000। 2B, जो ले रहा है, जो आपसे पेन ले रहा है, अगर पेन नहीं लेता पेनल्टी ऑफ 10,000, पेन ले लेता है विदाउट ऑथेंटिकेशन पेनल्टी ऑफ रुपीज 10,000। सो देखिए पहली पेनल्टी है 10,000 रुपए की, पेन ना अप्लाई करने की। दूसरी पेनल्टी है पेन कोट नहीं किया आपने या गलत पेन कोट किया, पेनल्टी ऑफ 10,000। 2A है जो देने वाला पेन ऑथेंटिकेट नहीं करता, पेनल्टी ऑफ 10,000। 2B है जिसको पेन रिसीव करना रिसीव नहीं करता या रिसीव करते वक्त ऑथेंटिकेट नहीं करता, पेनल्टी ऑफ रुपीज 10,000। तो ये सारे चेंजेस फाइनेंस एक्ट 19 से आए, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल में दिया हुआ है जहां ये चेंजेस समझाए गए। ओके, पेज 21 पर आइएगा, थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है। हु शैल वेरीफाई द रिटर्न, पहले यहां लिखा था हु शैल साइन द रिटर्न, साइन वर्ड हटा के वेरीफाई किया, क्योंकि अब रिटर्न पे सिग्नेचर नहीं होते, आप डिजिटली वेरीफाई करते हैं। सो
रिटर्न वेरीफाई करेगा इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल रिटर्न है वो खुद वेरीफाई करेगा, अगर इंडिविजुअल एब्सेंट फ्रॉम इंडिया है तब भी वो खुद वेरीफाई कर सकता है, या फिर किसी और पर्सन को ऑथराइज कर सकता है टू साइन द रिटर्न, वेरीफाई द रिटर्न। अगर वो मेंटली इनकैपेसिटेटेड है तो उसका लीगल गार्जियन या जो कोर्ट अपॉइंट करेगा पर्सन वो साइन करेगा, और अगर किसी भी वजह से साइन नहीं कर पा रहा देन एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय हिम। और की नोट में लिखा है कि 2 और 4 में, यानी जब वो एब्सेंट फ्रॉम इंडिया है या किसी और वजह से साइन नहीं कर पा रहा, किसी और को ऑथराइज करता है तो उसे एक पावटॉनी देनी पड़ेगी उस पर्सन को जो रिटर्न वेरीफाई कर रहा है। प्रैक्टिकली मुझे पावटॉनी रिटर्न के साथ नहीं लगानी होती, ये तो बाद में सीपीसी बेंगलोर से क्वेरी आती है कि रिटर्न आपकी किसी और ने साइन की है, क्या उसके पास पावटॉनी थी, प्लीज गिव दैट पावटॉनी। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर साइन करेगा, अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है या मैनेजिंग पार्टनर किसी वजह से साइन नहीं कर पा रहा तो कोई भी और पार्टनर साइन कर सकता है हु इज नॉट अ माइनर। नॉट नेसेसरी वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर भी साइन कर सकता है। एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा, और जहां डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है या फिर किसी अनअवॉइडेबल रीजन से डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन नहीं कर पा रहा then any other person as may be prescribed। HOF के केस में कर्ता साइन करेगा, कर्ता अगर इंडिया से एब्सेंट है या मेंटली इनकैप्सुलेटेड है कोई भी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली साइन करेगा। कंपनी के केस में MD साइन करेगा, अगर MD नहीं है या MD साइन नहीं कर पा रहा किसी रीजन से तो कोई भी डायरेक्टर साइन कर सकता है, या एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस। सो एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब दिस फॉर दिस पर्पस, ये अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 20 से, इसका रीजन अभी देख लेते हैं। इन केस ऑफ अ कंपनी जो रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट कंपनी है, तो कोई भी पर्सन जो कंपनी ऑथराइज करती है वो साइन करेगा, और ऑथराइजेशन जो होगी इट विल बी थ्रू पावटॉनी। प्रैक्टिकली मुझे पावटॉनी रिटर्न के साथ नहीं लगानी होती बिकॉज रिटर्न पेपरलेस होती है। बाद में सीपीसी बेंगलोर ये पावटॉनी मंगाता है कि रिटर्न जिससे साइन किया उसके बाद पावटॉनी थी या नहीं वो दीजिएगा। अगर कंपनी वाउंड अप हो रही है तो लिक्विडेटर साइन करेगा, कंपनी जिसकी मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली है प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करेगा। वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी एन एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हैज बीन एडमिटेड बाय द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड द रिटर्न शैल बी वेरीफाइड बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, पॉलिटिकल पार्टी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लोकल अथॉरिटी में प्रिंसिपल ऑफिसर, UPBI में कोई मेंबर, अदर पर्सन लाइक ट्रस्ट वगैरह जो पर्सन ऑथराइज्ड। एक रिटर्न अगर नॉट अनवेरिफाइड है इट्स वॉइड एब इनिशियो, अगर रिटर्न गलत पर्सन साइन कर देता है देन ऑल्सो इट इज वॉइड एब इनिशियो। फाइनेंस एक्ट 20 ने LLP के केस में और कंपनी के केस में कहा है कि एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस। मेमोरेंडम देखिएगा जहां से अमेंडमेंट आई, सेक्शन 140 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ अ कंपनी द रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी साइन विद द MD, जहां MD नहीं है देन एनी अदर डायरेक्टर। कंपनी हुज एप्लीकेशन फॉर इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हैज बीन एडमिटेड बाय द AA अंडर द इनसॉल्वेंसी एक्ट, तो प्रोफेशनल साइन करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। सिमिलरली इन केस ऑफ LLP रिटर्न डेजिग्नेटेड पार्टनर या कोई और पार्टनर साइन करता है। अब इन्होंने कहा कि हम और पर्संस नोटिफाई कर देंगे LLP के केस में, जो कंपनी के केस में जो रिटर्न साइन कर सकते हैं।
So that notification is yet to come. So chapter 1 आपका complete हो गया है. इसके past के questions करिएगा. जैसे हमने देखा था PGPP में आपके पास बहुत pressure आ गया था. हमने जब PGPP complete कर लिया था उसके बाद questions करने शुरू किए थे, क्योंकि वहां सारे questions linked थे, आप chapter wise नहीं कर सकते थे. बट यहां मैंने कोशिश की है कि चैप्टर वाइज पास्ट या क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया है और हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस डाल दिए हैं सॉल्व एज पर फाइनेंस एक्ट 21. सो प्लीज उनको करना शुरू करिएगा. चैप्टर 2 में आइएगा, पेज 35, जहां आप ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं फाइल करते, जैसे मेरा असेसमेंट ईयर 21-22 है, इसकी ड्यू डेट है 31-10-21, मैं लेट रिटर्न कब तक भर सकता हूं 4 में, 31 दिसंबर 21 तक. तो जैसे ही ड्यू डेट निकल जाती है और आप रिटर्न फाइल नहीं करते, एओ के पास पावर आ जाती है टू इश्यू यू अ नोटिस अंडर 142(1)(1). मैंने यह भी बताया था ड्यू डेट निकलने के बाद एओ के पास पावर आ जाती है टू मेक 144. तो कब 142(1)(1) इश्यू करेगा, कब 144 इश्यू करेगा, ये हम करेंगे. जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे साल में 1,00,000 से ऊपर पे किया है और एओ के पास इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कि आपने पूरे साल में 1,00,000 से ऊपर का बिल पे किया है और आप ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं फाइल करते, तो यहां बेस्ट जजमेंट असेसमेंट थोड़ी करेगा एओ. एओ 142(1)(1) भेजकर आपसे रिटर्न मंगाएगा. जैसे कि आपने फॉरेन ट्रेवल किया और आपकी ड्यू डेट बनती है 31-7, फॉरेन ट्रेवल पे आपने 2,00,000 से ऊपर का खर्चा किया और आपने ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं फाइल की, तो एओ क्या करेगा, ड्यू डेट के बाद आपको नोटिस भेजकर रिटर्न मंगाएगा. तो जहां एओ के पास इंफॉर्मेशन होती है कि आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी आपने नहीं की, वहां ये नोटिस भेजता है. 144 ऐसे नहीं करते हैं. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे किन केसेस में करते हैं. ऑल्दो ड्यू डेट निकल जाने के बाद ईओ गेट्स द पावर टू मेक 144, उस पास पावर होती है इवन टू इश्यू नोटिस अंडर 142(1)(1). अच्छा, क्या ये नोटिस आपको इस दिन के बाद इशू कर सकता है? यस, कर सकता है, लॉ में एक्सप्रेसली लिख दिया गया. अब आप देखेंगे कि सारी असेसमेंट्स फेसलेस हो गई है, यानी आपको पता नहीं कौन एओ है जो असेसमेंट करता है. एक नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर बना है जो हम 2 क्लास में शुरू कर देंगे. अब ये नोटिसेस एओ इशू नहीं करेगा, ये नोटिस इशू करेगा नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर. ये अमेंडमेंट कर दी गई है बाय फाइनेंस एक्ट 21. नोटिस अंडर सेक्शन 142(1). दो तरह के नोटिस होते हैं. आज की क्लास में एक नोटिस करेंगे जहां आपसे रिटर्न मंगाई जाती है, that's return notice under 142(1)(1). If the assessee has not furnished the return of income within the time prescribed under section 139(1), then the EO or the prescribed income tax authority, prescribed income tax authority likh lijiye, is national faceless assessment center, likh lijiye. Prescribe authority is National Faceless Assessment Center. So prescribe authority is National Faceless Assessment Center.
If the assessee has not furnished the written of income within the time prescribed under section 139(1), the EO, or the prescribed income tax authority may issue a notice requiring him, so may issue a notice, requiring him to furnish the written of income within the time specified in the notice. Normally, notice mein 30 din dete hai ki 30 din ke andar written file kariye from the day you receive the notice. This notice can be issued even after 31st December of the relevant assessment year. Yani time barring, jo period hai aapka written file karne ka, uske baad bhi notice issue ho sakta hai. This notice can now be issued by prescribed income tax authority, which is National Faceless Assessment Center. Bataiye, notice kab tak bhej sakta hai? Jaise assessment year 21-22 due date hai meri 31-21. मैं लेट रिटर्न फाइल कर सकता हूं 31-12-21 तक. क्या ये नोटिस मुझे 2022 में भेज सकता है? यस. 23 में? यस. तो आपको बुक्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है 6 साल की. तो प्रैक्टिकली जितने साल आपको बुक्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है उतने साल के लिए नोटिस भेज सकते हैं. प्रैक्टिकली 6 साल तक नोटिस भेज सकते हैं. कहीं लिखा नहीं है, बट प्रैक्टिस में ये होता है. एक क्वेश्चन लिखिए द टॉप. इन प्रीवियस ईयर 31 March 2021 असेसी इनकर्स एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन ट्रेवल ऑफ ₹3,00,000. Assessee does not have taxable income and does not file ROI. National Faceless Assessment Center issues notice under section 142(1) on 1st April 2022. So in previous 21, assessee incurs expenditure on foreign travel of 3 lakh. Assessee does not have taxable income and does not file ROI. National Faceless Assessment Center issues notice under 142(1)(1) on 1/4/22 and ask assessee to file ROI by 30 April 2022. Assessee files ROI of nil income on 30th 4/22. क्या 234F की फीस लगेगी? पेज 5 पर देखिए 234F, where a person is required to furnish a return of income under section 139, fails to do so within the time prescribed under subsection 1 of the said section, then he shall pay a fees of 5,000. इसके बाद की लाइन मैंने डिलीट करवा दी थी, मैंने लिखी थी अपनी तरफ से. तो बताइए यहां फीस ऑफ 5,000 लगेगी या नहीं लगेगी? क्यों? रिक्वायरमेंट है अंडर द प्रोविजो to section 139 to file, therefore fee of ₹5,000 under 234F is payable. नोट वन देखिएगा. नोटिस अंडर 142(1)(1) कैन बी इशूड ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट मेंशन इन 139(1) इंप्लाइड है. नोटिस अंडर 142(1)(1) कैन बी इशूड इवन
after 31st December of the relevant assessment year, even after the expiry of time limit to file the belated return, उसके बाद भी नोटिस इश्यू कर सकते हैं. लॉ में मैक्सिमम टाइम नहीं दिया इस नोटिस को इश्यू करने का, बट प्रैक्टिकली 6 साल तक इश्यू कर सकते हैं, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट 6 साल तक होती है. इफ ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) इज एक्सपायर्ड एंड द असेसी हैज नॉट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम, तो एओ के पास पावर आ जाती है 144 करने की. And EO wants to make best judgment assessment under 144, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि नोटिस इश्यू करे सेक्शन का, सीधा 144 कर सकता है, वो 144 में देखेंगे. अच्छा, पॉइंट 3, आपकी मदर है, उनको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ना 139(1) में, ना ही किसी प्रोविशो, ना ही उनका रिफंड, कुछ नहीं है. बट उनको ये नोटिस आ जाता है 142(1)(1) का, तो क्या उनको ये नोटिस से कंप्लायंस करना मस्ट है? आंसर इज यस. और मदर अगर इस नोटिस से कंप्लायंस नहीं करेंगी तो पेनल्टी है, अदर कॉन्सिक्वेंसेस अभी देखते हैं. सो पॉइंट 3 में मैंने ये लिखा हुआ है कि आपको नोटिस आ गया ये वाला, और आपको लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है रिटर्न फाइल करने की किसी भी सेक्शन में, तो भी आपको नोटिस कंप्लाई करना पड़ेगा. रिटर्न चाहे निल की फाइल करिए, फाइल करनी पड़ेगी. इफ अ नोटिस अंडर 142(1)(1) इज इश्यू टू अ पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इवन देन ही इज लायबल टू फर्निश द रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर 142(1)(1). अगर नहीं करेंगे तो पेनल्टी लग जाएगी आपको. पेज 39 पर देखिएगा. अगर आप 142(1)(1) के नोटिस से कंप्लाई नहीं करते तो हम पढ़ेंगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी हो सकती है आपकी, या पेनल्टी लग जाएगी 10,000 रुपए. चाहे इनकम टैक्सेबल नहीं थी, चाहे किसी भी सेक्शन में रिक्वायरमेंट नहीं थी रिटर्न फाइल करने की, बट नॉन कंप्लायंस ऑफ नोटिस के लिए पेनल्टीज ₹10,000. सो आप देखिए, मैं आपको पेनल्टीज धीरे धीरे कराता जा रहा हूं. हम जब पेनल्टी का चैप्टर करेंगे वहां 4 लेक्चर लगाएंगे, बट वहां एक सिंगल पेनल्टी भी नहीं करूंगा. यस, वहां हम प्रोसीजर करेंगे पेनल्टी कैसे लगाई जाती है वो सब करेंगे. चलिए, आपको पता चल गया रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट कब कब होती है, कब फाइल करनी होती है, कब ड्यू डेट होती है, रिटर्न कौन साइन करेगा, रिटर्न के साथ आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करना होता है, आपने रिटर्न फाइल कर दी. अब क्या होता है, 100% returns आपकी चेक होंगी ऑन द फेस ऑफ इट. इसका मतलब क्या, अभी देखते हैं. और ये चेकिंग कौन करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा. सो बेंगलोर में एक सीपीसी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर. सो बेंगलुरु में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक सीपीसी बनाया हुआ है, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर, जहां एटलीस्ट 1,000 इंजीनियर्स ऑफ इंफोसिस टाटा कंसल्टेंसी काम कर रहे हैं, और अराउंड 4,000 एओस बैठे हैं उस सेंटर में. बट ये सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंस के लिए हैं, ये कुछ मतलब वैसे काम नहीं करेंगे. सो इनका क्या काम होता है भी देखेंगे, बट सारा काम सॉफ्टवेयर करेगा.
सो 100% रिटर्न्स आपकी सॉफ्टवेयर चेक करेगा, कुछ प्राइमा फेसी गलतियां हैं सॉफ्टवेयर ठीक कर देगा। ये 100% चेकिंग होती है अंडर सेक्शन 143(1). सो 143(1) में 100% रिटर्न्स चेक की जाती है, ये चेक करता है सॉफ्टवेयर। कोई आपकी डिमांड निकलेगी आपसे वसूल कर ली जाएगी, कोई रिफंड होगा आपको ग्रांट कर दिया जाएगा। और ये 100% चेकिंग करने के बाद 3-5% केसेस सिलेक्ट किए जाते हैं फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3). सो 3-5% केसेस स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। स्क्रूटनी असेसमेंट होती है 143(3) में, जहां आपकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है, डिटेल्ड असेसमेंट होती है। सो 143(1) में 100% चेकिंग होती है, ये चेकिंग सॉफ्टवेयर करता है, कुछ सॉफ्टवेयर को एडजस्टमेंट्स करने की परमिशन है, वो भी देखेंगे क्या है। और एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपका टैक्स रिफंडेबल होगा आपको दे देंगे, पेबल होगा आपसे वसूल कर लेंगे। सो एडजस्टमेंट अगर होंगी तभी करेगा, नहीं होंगी तो नहीं करेगा। 143(1) इसे हम असेसमेंट नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न। सो 143(1) इज नॉट एन असेसमेंट, इट्स अ प्रोसेसिंग। 143(1) में जो आपको कागज आएगा, पेपर आएगा, अगर उसे आप असेसमेंट ऑर्डर नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). सो 143(1) इज नॉट एन असेसमेंट, इट्स प्रोसेसिंग। अगर कोई पेपर आएगा तो उसे हम असेसमेंट ऑर्डर नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, हम इंटीमेशन। आइएगा पेज 40। वन फोर्टी थ्री वन स्कीम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स वेयर अ रिटर्न हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 139 के सारे सब सेक्शन आ गए, और इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस अंडर 142(1)(1), जो अभी हमने पढ़ा 142(1)(1), द रिटर्न शैल बी प्रोसेस्ड। सो 100% रिटर्न प्रोसेस होंगी इन द फॉलोइंग मैनर। यहां 148 नहीं आ रहा, क्योंकि 148 में इनकम पकड़ी जाती है या सर्च एंड सीजर का केस होता है, वहां तो फिर सीधा रिटर्न एओ के पास जाएगी जो असेसमेंट करेगा। सो 148 रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं होती, उसकी तो सीधी असेसमेंट के लिए जाती है एओ के पास। वेयर अ रिटर्न हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 139 और इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस अंडर 142(1). सच रिटर्न शैल बी प्रोसेस इन द फॉलोइंग मैनर। ये रिटर्न की प्रोसेसिंग फॉलोइंग मैनर में करेगा कौन, सॉफ्टवेयर एट बेंगलुरु सीपीसी। सबसे पहले सॉफ्टवेयर आपकी टोटल इनकम कंप्यूट करेगा और सॉफ्टवेयर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स कर देगा, अगर हैं तो। द टोटल इनकम और लॉस शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट्स हैं, सिर्फ ये एडजस्टमेंट्स सॉफ्टवेयर कर सकता है। यहां अमेंडमेंट आई कि अगर सॉफ्टवेयर कोई एडजस्टमेंट करना चाहेगा
तो बेंगलुरु का सीपीसी आपको एक पेपर भेजेगा, उसे इंटीमेशन 143(1) इंटीमेशन नहीं, मतलब तो आपको इंटीमेट करेगा, पेपर के थ्रू इंटीमेट करेगा कि हम आपकी ये एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, और आपसे कहा जाएगा कि 30 डेज के अंदर रिप्लाई करिए, और 30 डेज में आपने रिप्लाई कर दिया और रिप्लाई आपका सेटिस्फैक्ट्री है, रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है, सॉफ्टवेयर तो देखेगा नहीं, जो मैंने बताया था ना 1000 इन्फोसिस के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, 4000 इनकम टैक्स के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो देखेंगे कि रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं। सो एडजस्टमेंट्स करने से पहले आपको एक इंटीमेशन, सो 143(1) इंटीमेशन नहीं, मतलब आपको इंटीमेट करेंगे पेपर पे, एक खाली कागज पे, मतलब प्लेन पेपर पे भेजेंगे कि हम ये एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और 30 दिन के अंदर बताइए कि हम ये क्यों ना करें। अगर आपका रिप्लाई प्रॉपर है, रिप्लाई प्रॉपर अभी देखते हैं क्या होता है, तो एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी, और रिप्लाई प्रॉपर नहीं है या आप रिप्लाई नहीं देते तो एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। देखिए Page 41, provided that no such adjustment shall be made unless an intimation is given to the assessee of such adjustments either in writing or on electronic mode। आज तो सब कुछ ईमेल पर ही आता है, कोई फिजिकल लेटर आता ही नहीं है। सो ये एडजस्टमेंट्स नहीं की जाएंगी जब तक आपको इंटीमेट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड पर, यानी ईमेल के थ्रू। Provided further that the response received from the assessee, if any, shall be considered before making any adjustments, and in a case where no response is received within 30 days of the issue of such intimation, adjustment shall be made. यानी जब भी intimation issue होगी, और आज तो issue और receiving की date same होती है, जिस दिन आपको email भेजते हैं उस दिन आपको मिल जाती है, उसी second मिल जाती है, तो 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना है। रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री तो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या रिप्लाई नहीं देते तो एडजस्टमेंट कर देंगे आप। सो प्रोवाइडेड दैट नो सच एडजस्टमेंट शैल बी मेड अनलेस एन इंटीमेशन इज गिवन टू द असेसी ऑफ सच एडजस्टमेंट आइदर इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड। प्रोवाइडेड फर्दर दैट रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द असेसी इफ एनी शैल बी कंसिडर्ड बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट एंड इन केस where no response is received within 30 days of the issue of the intimation, adjustment shall be made. वापस आइए, टोटल इनकम निकालते वक्त सॉफ्टवेयर क्या एडजस्टमेंट करेगा? वन, कोई भी अरिथमेटिकल एरर होगी रिटर्न में उसे ठीक कर देंगे। आज ये इरेलेवेंट है, बिकॉज रिटर्न जो आप फाइल करते हैं उसमें सब टोटलिंग यूटिलिटी के थ्रू होती है, वहां टोटलिंग एरर हो ही नहीं सकती है। नंबर टू, एन इनकरेक्ट क्लेम, इफ सच इनकरेक्ट क्लेम इज अपरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन द रिटर्न, वो कर देंगे, इसे अभी देख लेंगे। कोई क्लेम है जो इनकरेक्ट है और अपरेंट है रिटर्न में, उसे एडजस्टमेंट कर देंगे, अभी कर लेंगे इसे। थ्री, अगर रिटर्न में आपने लॉस क्लेम किया हुआ है, रिटर्न में आपने लॉस क्लेम किया हुआ है, जैसे असेसमेंट या 21-22 की रिटर्न है, आपने असेसमेंट या 20-21 का लॉस क्लेम किया हुआ है, और असेसमेंट या 20-21 जिसका लॉस क्लेम किया हुआ है उसकी रिटर्न लेट फाइल हुई थी, तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आपने फिर भी क्लेम किया हुआ है, उसे डिसलाउ कर देंगे। सो डिसअलाउंस ऑफ लॉस क्लेम्ड, इफ लॉस क्लेम्ड इफ रिटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर विच सेट ऑफ ऑफ लॉसेस क्लेम वॉज फर्निश्ड बियॉन्ड द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन 139(1). तो अगर आपने असेसमेंट या 21-22 की रिटर्न में असेसमेंट या 20-21 का लॉस क्लेम किया हुआ है और 2021 की रिटर्न लेट फाइल हुई थी, तो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते थे, इसलिए हमारा सॉफ्टवेयर डिसअलाउ कर देगा। एग्जांपल देखिएगा, या एक दो क्लॉज कर लेते फिर करते एग्जांपल।
4, आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है। चलिए एक एक करते रहते हैं, हथियत करते रहते हैं। पेज 43 पर आइए, पॉइंट नंबर 3 देखिए, एनालिसिस आइए। असेसी फाइल्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 ऑन 31-10-21 एज अंडर करंट ईयर इनकम 20 लाख, ब्रॉड फॉर लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 2021 13 लाख, रिटर्न इनकम 7 लाख की है। जो रिटर्न आपने फाइल किया थी असेसमेंट ईयर 2021 की लेट फाइल की थी। नाउ सॉफ्टवेयर वाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 क्या करेगा, विल डिसअलाउ द लॉस ऑफ 13 लाख एंड विल कंप्यूट द इनकम एट 20 लाख, बट बिफोर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ 13 लाख एन इंटीमेशन शैल बी सेंट टू द असेसी फॉर प्रपोज डिसअलाउंस। बट असेसी ने क्या किया था, सपोज कंडोनेशन ऑफ डिले ले लिया था असेसी ने, चीफ सीआईटी से डिले का कंडोनेशन ले लिया था, उस केस में क्या होगा, आप रिस्पांस भेजिए सीपीसी बेंगलोर को कि मैंने डिले का कंडोनेशन ले लिया था, कंडोनेशन का ऑर्डर इंक्लोज्ड है, आप सीपीसी बेंगलोर एडजस्टमेंट नहीं करेगा। सो इफ असेसी हैज टेकन कंडोनेशन ऑफ डिले फॉर असेसमेंट एट 2021 फ्रॉम चीफ सीआईटी फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, देन ही कैन रिस्पॉन्ड टू द इंटीमेशन इन्फॉर्मिंग अबाउट सच कंडोनेशन एंड इंक्लोजिंग अ कॉपी देयर ऑफ। इन सच अ केस सीपीसी बेंगलोर 13 लाख एडजस्टमेंट नहीं करेगा। वापिस आइए पेज 40। सो पहली एडजस्टमेंट बेकार है, अरिथमेटिकल एरर ठीक कर दी जाएगी, होती नहीं है। दूसरी इनकरेक्ट क्लेम अभी पढ़ लेंगे। तीसरी है कि अगर आपने लॉस क्लेम किया हुआ है और लॉस उस साल का जिसकी रिटर्न लेट फाइल हुई थी वो लॉस डिसअलाउ हो जाएगा। फोर है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में फॉर्म 3CD में ऑडिटर ने इंडिकेट किया हुआ है, लिखा हुआ है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर इतना डेबिट किया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, उसने लिखा है कि प्रायर पीरियड आइटम इतना डेबिटेड है करंट ईयर अकाउंट में, उसने लिखा है कि 40A3 में ये डिसअलाउंसेस हैं, और अगर आपने डिसअलाउंसेस नहीं की हैं तो सॉफ्टवेयर डिसअलाउंसेस कर दे। सो आज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली अलोंग विद रिटर्न ऑफ इनकम, तो सॉफ्टवेयर चेक करेगा कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डिसअलाउंसेस हैं आपने खुद डिसअलाउंसेस किए हैं या नहीं, नहीं किए हैं तो सॉफ्टवेयर डिसअलाउ कर देगा। यहां एक अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 21 से। पहले से लिखा था डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर एज पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, अब इन्होंने फाइनेंस एक्ट 21 से ऐड किया है इंक्रीज ऑफ इनकम एज पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अगर ऑडिटर ने लिखा हुआ है कि कुछ रिसीट्स जो बिजनेस इनकम थी असेसी ने कैप रिसीट मानी है, उसे सीधा रिजर्व मिलेगी असेसी, यानी कुछ रिसीट्स थी आपकी टैक्सेबल थी लेकिन असेसी ने उन्हें टैक्सेबल नहीं दिखाया और सीधा रिजर्व मिले गया, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है, तो इस अमेंडमेंट से पहले यह एडजस्टमेंट नहीं करी जा सकती थी, बिकॉज सिर्फ कर सकते थे आप डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। नाउ इंक्रीज इन इनकम इंडिकेटेड एज पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, दैट इज ऑल्सो टू बी डन। सो डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन इनकम इंडिकेटेड इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम इन द रिटर्न, ये डिसअलाउंस कर देगा सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल पेज 43 पॉइंट 4 देखिएगा, द असेसी फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 डिस्क्लोजिंग एन इनकम ऑफ 25 लाख, इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट
the tax auditors has mentioned that personal expenses of 2 lakh have been debited to profit loss account and has also mentioned that prior period item debited to profit loss account of 3 lakh. However, assessee has not disallowed both expenses since as per the assessee, personal expenses, business expenses hai, ye toh auditor keh raha hai ki personal expenses hai, and prior period item wo kehta hai ki mera current year mein hi crystallize kiya hai and therefore allowable hai. According to assessee, both are allowable. और देखिए अब तो क्या होगा, अब तो जो प्री फिल्ड रिटर्न फॉर्म आएगा उसमें ये डिसअलाउंसेस होके आएंगी. तो आज इस क्लॉज की इतनी जरूरत नहीं है बिकॉज प्री फिल्ड फॉर्म में ये भर के आएगा डिसअलाउंसेस. सो दिस इश्यू विल नॉट अराइज नाउ सिंस रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ असेसमेंट एट 21-22 ऑनवर्ड शैल बी प्री फिल्ड एंड डिसअलाउंसेस इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट विल बी प्री फिल्ड इन द रिटर्न. हाँ, वो जो इंक्रीज इन इनकम है वो शायद प्रीफिल नहीं होगा, वो आप यहां पर ऐड कर दें. नाउ अंडर 143(1) द सॉफ्टवेयर वाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न विल डिसअलाउ द एक्सपेंस ऑफ 5 लाख इंडिकेटेड इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर मेकिंग एडिशन ऑफ 5 लाख रुपीज an intimation shall be sent to the assessee informing about the proposed disallowances. Assessee can respond to the intimation that tax audit report is wrong and expenses are allowable. But practically, after considering the response of the assessee, the software will disallow the expense of 5 lakh. Aur abhi hum padhenge thodi der mein, break ke baad, ki ab jo 143(1) ki intimation aa jayegi, jahan disallowance ho ke aa jayega, उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं सीआईटी अपील्स को. इसके मार्जिन में लिखिए, इसके मार्जिन में लिखिए. इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इट इज मेंशन्ड दैट रुपीज 10 लाख has been treated by assessee as capital receipt and not credited to P&L account. तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 10 लाख की रिसीट्स हैं जो असेसी ने कैपिटल रिसीट मानी है, क्रेडिट नहीं है प्रॉफिट अकाउंट में. एज पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इट शुड बी रेवेन्यू रिसीट. तो 10 लाख विल बी एडेड बाय सॉफ्टवेयर आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसेस. ऑफ इंटीमेशन इंटीमेट करता है आपको, इंटीमेट करके आप रिप्लाई करेगा वो सब. So, ये अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 21 से. पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पर सिर्फ डिसअलाउंस हो सकती थी. नाउ अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में सर्टन रिसीट्स को लिखा हुआ है कि रेवेन्यू रिसीट्स है एंड हैव बीन ट्रीटेड बाय असेसी एज कैपिटल रिसीट, तो सॉफ्टवेयर उनको एड कर देगा 143(1) में. हाँ, आपको फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस फॉलो करेगा, असेसी को इंटीमेट करेगा कि हम ये एडिशन करने जा रहे हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, अपना रिस्पांस दीजिए. असेसी का रिस्पांस कंसिडर करेगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो एडिशन कर देगा. क्लियर है? नेक्स्ट आइएगा.
मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ATAC कहता है कि डिडक्शंस अंडर ATIA सीरीज टू ATRRB आपकी तभी अलाउ होती हैं अगर रिटर्न आपने ड्यू डेट पर फाइल की है। तो यहां लिखा था कि 10AA और ATIA, IAB, IB, IC, ID और IE ये डिडक्शंस डिसअलाउ कर दी जाएंगी अगर रिटर्न आपकी लेट फाइल हुई है। यहां चेंज आया फाइनेंस एक्ट 21 से। देखिए सिर्फ इन्हीं सेक्शंस के लिए नहीं, देखिएगा चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग सी डैश डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, ऐसे लिख लीजिए आप। सो चैप्टर 6 से होता है डिडक्शंस, उसमें पार्ट सी होता है, इसमें होते हैं सेक्शंस ATIA टू ATRRB, सारे सेक्शन आ जाते हैं। तो पहले लॉ में सिर्फ ATIA, कुछ ATIA की सीरीज के लिखे थे सेक्शन और 10AA, अगर रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो सिर्फ वो डिसअलाउंस होते थे, बट नाउ All these deductions will be disallowed. For example, एक सेक्शन होता है ATIAC, स्टार्टअप। अगर आप स्टार्टअप हैं तो आप 3 साल आउट ऑफ 10 years टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। और यहां पर भी कंडीशन होती है कि रिटर्न टाइम पे फाइल होनी चाहिए, बट यहां पर देखिए ATIAC नहीं लिखा था, पहले ATIAC नहीं लिखा था तो सॉफ्टवेयर इसको डिसअलाउ नहीं कर पाता था। ऑल्दो डिसअलाउड है। तो देखिए अगर ये डिडक्शन, ये रिटर्न आप लेट फाइल किए हैं और डिडक्शन क्लेम की है तो डिडक्शन डिसअलाउबल थी आपकी पहले से, बट सॉफ्टवेयर डिसअलाउ नहीं कर पाता था। सॉफ्टवेयर के पास पावर थी ओनली ATIA, IAB, IB, IC, ID, IE। ऑल्दो ये भी डिसअलाउड थी बट सॉफ्टवेयर डिसअलाउ नहीं कर पाता था, बिकॉज सॉफ्टवेयर में लिमिटेड पावर है। इसलिए फाइनेंस एक्ट 2021 ने लॉ चेंज किया, डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शंस क्लेम अंडर 10AA और अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6 पार्ट सी डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट सर्टेन इनकम्स, यानी ATIA टू ATRRB, ये सारे डिसअलाउ कर देंगे हम इफ रिटर्न इज फर्निश्ड बियॉन्ड द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139(1). तो देखिए ATIAC स्टार्टअप हूं मैं रिटर्न लेट फाइल करता था तो मुझे डिडक्शन नहीं मिलती थी, बट सॉफ्टवेयर वो डिसअलाउ नहीं कर पाता था। अब डिसअलाउ करते, देखिएगा एग्जाम्पल। Fifth, for assessment year 21-22, the due date of filing page 43, for assessment year 21-22, the due date of filing of return is 31-10-21. Assessee files return on 30/21 declaring nil income. He has claimed 50 lakh under various sections.
पहले तो सिर्फ ये होते थे, अब सारे सेक्शंस आ जाएंगे पार्ट सी वाले. सॉफ्टवेयर वाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न अंडर 143(1) शैल डिसअलाउ द डिडक्शन ऑफ 50 लाख एंड कंप्यूट द इनकम एट 50 लाख. इंटीमेशन ऑफ प्रपोज डिसअलाउंस शैल बी सेंट टू द असेसी बिफोर मेकिंग सच डिसअलाउंस. बट असेसी के लिए यहां कहने के लिए कुछ नहीं है, क्या कहेगा, लॉ है ये तो. ठीक है, मैं एक सीए फर्म, मैं एक सीए फर्म हूं, ऑडिट फीस की बिलिंग की 50 लाख मान लीजिए और 50 लाख, इस पर टीडीएस कट गया मेरा 5 लाख. तो मेरा जो फॉर्म 26AS आएगा उसमें इतनी प्रोफेशनल फीस पर इतना टीडीएस दिखाई दे रहा होगा. बट मैं जो सीए फर्म हूं कैश सिस्टम फॉलो करता हूं, ये ऑडिट फीस रिसीव हो गई, ये रिसीव नहीं हुई इसलिए मैंने दिखाई नहीं, कैश सिस्टम फॉलो करता हूं. तो मैंने जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उसमें 100 लाख की रिसीट्स दिखाई. अब सॉफ्टवेयर क्या करता था, देखता था कि रिसीट्स आपकी 100 लाख की हैं जबकि 26AS में रिसीट की तैयारी है 200 लाख, उठा के 100 लाख आपकी इनकम में ऐड कर देता था. ये पावर थी सॉफ्टवेयर के पास. और मोस्टली सीए फर्म्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स सभी कैश सिस्टम फॉलो करते हैं और सभी की केस में ये एडिशन हो जाती थी, फिर हम अपील लड़ा करते थे, लिटिगेशन बढ़ जाती थी. इसलिए पहले पावर थी सॉफ्टवेयर के पास कि फॉर्म 26AS में जो इनकम दिख रही है और जो आपके प्रॉफिट लॉस का इनकम है अगर उसमें मिसमैच है तो सॉफ्टवेयर एडिशन कर देता था. ये पावर खत्म कर दी गई. देखिएगा, ये खत्म कर दी गई. पेज 41, एडिशन ऑफ इनकम अपियरिंग हट गया, ये डिलीट हो गया है. पेज 41, एडिशन ऑफ इनकम अपियरिंग इन फॉर्म 26AS, फॉर्म 16A, विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम इन द रिटर्न, ये एडजस्टमेंट अब नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, पेज 44 पर आइएगा. पेज 44, पॉइंट नंबर 6. असेसी इज अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉलोइंग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. असेसी हैज शोन ग्रॉस रिसीट्स ऑफ 50 लाख एंड क्लेम टीडीएस ऑफ 50 लाख इन द रिटर्न ऑफ इनकम, टीडीएस ऑफ 5 लाख इन रिटर्न ऑफ इनकम फॉर 21-22. हाउएवर, सो मेरी बैटरी खत्म हो गई थी, मेरी भी खत्म हो गई, मेरी बाइक की खत्म हो गई थी. तो पेज 44, असेसी इज अ फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉलोइंग कैश सिस्टम अकाउंटिंग. उसने ग्रॉस रिसीट्स दिखाई है 50 लाख, टीडीएस 5 लाख का क्लेम किया है, लेकिन फॉर्म 26AS में फीस जो वेरियस क्लाइंट्स ने क्रेडिट किया 70 लाख है और टीडीएस 7 लाख है. असेसी ने ना तो 20 लाख का फीस दिखाई, ना उसका 2 लाख का टीडीएस दिखाया, बिकॉज असेसी इज फॉलोइंग कैश सिस्टम अकाउंटिंग. तो अमेंडमेंट से पहले सॉफ्टवेयर ये एडजस्टमेंट कर देता था, 20 लाख ऐड कर देता था. नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट सॉफ्टवेयर अंडर 143(1) विल नॉट मेक एनी एडजस्टमेंट एज पर अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट 18. ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है.
इसके अलावा सॉफ्टवेयर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। अगर आपने एक एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डिसअलाउड है, सॉफ्टवेयर डिसअलाउ नहीं कर सकता, बिकॉज ऊपर जो हेडिंग्स मतलब जो पावर दी है उसमें कहीं नहीं आ रहा। सो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है। वापस आइए, तो सॉफ्टवेयर सबसे पहले आपकी इनकम कंप्यूट करेगा। कैसे? बाय मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, वन टू अभी देख लेते, थ्री। अगर आपने कोई लॉस क्लेम किया हुआ है, लॉस उस प्रीवियस ईयर का है जिसकी रिटर्न आपने लेट फाइल की थी, वो डिसअलाउ कर देगा। अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डिसअलाउंसेस हैं उनको कर देगा। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कुछ रिसीट कैपिटल रिसीट नहीं है, रेवेन्यू रिसीट है, उनको ऐड कर देगा एज पर द फाइनेंस एक्ट 21(5), 10AA और 80IA to 80RRB। अगर ये डिडक्शंस क्लेम किए आपने और रिटर्न लेट फाइल हुई है तो ये डिडक्शंस डिसअलाउ कर देगा। सिर्फ ये ही एडजस्टमेंट सॉफ्टवेयर कर सकता है वाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न, कोई और एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। सो पहला था अरिथमेटिकल एरर ठीक कर देगा, आज होती नहीं, बिकॉज आज रिटर्न का जो फॉर्म है उसमें यूटिलिटी में टोटलिंग ऑटोमेटिक होती है। एन इनकरेक्ट क्लेम इफ सच इनकरेक्ट क्लेम इज अपरेंट फ्रॉम एनी इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब देख लेते क्या है। पेज 41, एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एन इनकरेक्ट क्लेम अपरेंट फ्रॉम एनी इन्फॉर्मेशन द रिटर्न शैल मीन अ क्लेम विच ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री इन द रिटर्न। सिर्फ इसका 2 रेलेवेंट है, 1 और 3 बेकार हो चुका है। बता दो क्यों। 1 में कह रहे हैं कि आपने रिटर्न में डेप्रिसिएशन निकाली, जो शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन है उसमें डेप्रिसिएशन 20 लाख निकाली। जब आप पीजीबी पी इनकम कंप्यूट कर रहे हैं रिटर्न में, वहां 20 लाख की जगह आपने 22 लाख कैरी फॉरवर्ड कर लिए। सो डेप्रिसिएशन मैंने शेड्यूल में निकाली रिटर्न में 20 लाख और जब पीजीबी पी इनकम में ले गया वो 22 लाख ले गया। ये कह रहे हैं कॉन्ट्रेडिक्ट एंट्री है, उसे ठीक कर देगा। आज ये पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज रिटर्न में ये सब ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड मतलब चले जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन शेड्यूल में मैं डेप्रिसिएशन निकालता हूं, वो ऑटोमेटिकली मेरी पीजीबी इनकम में चली जाती है। तो गलती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इट्स इन द रिटर्न यूटिलिटी। सो 1 बेकार है, ऑफ एन आइटम विच इज इनकंसिस्टेंट विद अनदर एंट्री ऑफ द सेम और सम अदर आइटम इन द रिटर्न। कि इनकंसिस्टेंट एंट्री है लाइक डेप्रिसिएशन, इररिलेवेंट। इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन, वेयर सच डिडक्शन एक्सीड द स्पेसिफाइड स्टैच्यूटरी लिमिट विच मे बी एक्सप्रेस्ड एज मॉनेटरी अमाउंट और परसेंटेज। जैसे रेंट में आपने 30% की जगह 40% ले ली तो 10% डिसअलाउ कर देगा। अब ये होता ही नहीं, बिकॉज आप 30% से ऊपर भरेंगे हाउस प्रॉपर्टी में, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ATC 1 लाख होती है, आपने 1.5 लाख क्लेम कर ली, पॉसिबल ही नहीं है, सिस्टम 1 लाख से ऊपर लेता ही नहीं एंट्री। 2 रेलेवेंट है। सो 1 और 2 बेकार, 1 और 3 बेकार है, 2 रेलेवेंट है। ये कह रहे हैं आपको अगर कोई डिडक्शन क्लेम करने के लिए कुछ प्रूफ देना है और नहीं दिया आपने, वो डिसअलाउ कर देंगे। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर दिस एक्ट टू सब्सटेंशिएट, सब्सटेंशिएट मतलब प्रूफ करना, सच एंट्री हैज नॉट बीन फर्निश्ड। यानी आपको डिडक्शन के लिए कोई सब्सटेंशिएट करना था, आपने नहीं दिया, डिसअलाउ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल HRA, अगर आप HRA क्लेम कर रहे हैं तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन देना होता है और लैंडलॉर्ड का पैन नहीं दिया आपने तो HRA की एग्जेम्पशन आपको डिसअलाउ कर दी जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, पेज 42 पर आइए।
analysis of 143(1). The adjustments under 143(1) will be made only in the course of computerized processing without any human interface. In other words, the software design detects arithmetical inaccuracies and internal inconsistencies and make appropriate adjustments in computational total income. For this purpose, the department has established a CPC in Bangalore. Adjustment job kar sakte hain. Arithmetical error theek kar di jayengi. Ab ye possible nahi hai. Returns manual hoti nahi hai. An incorrect claim from any information in the return, which means a claim on the basis of entry in the return of an item which is inconsistent with another entry of the same or different in the same return, ye possible nahi hai. Jaise depreciation schedule mein maine depreciation nikali 20,30,000 aur le gaya main carry forward kar gaya 24,30, ye possible hi nahi hai aaj. बी पॉसिबल है. अगर आपको कोई डिडक्शन के लिए सब्सटेंशिएट करना है, वो नहीं किया आपने, वो डिसअलाउ कर देंगे. फॉर एग्जांपल, आपने एचआरए क्लेम किया है, लैंडलॉर्ड का पेन नहीं दिया, तो एचआरए की एग्जेम्पशन डिसअलाउ कर दी. सी बेकार है. आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने लिमिट से ज्यादा डिडक्शन क्लेम किए हैं, हाउस प्रॉपर्टी में 30% से ऊपर ज्यादा रिपेयर क्लेम कर ली, ATC 1 लाख से ऊपर ज्यादा क्लेम कर लिया, ये पॉसिबल नहीं है. रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करती. चलिए बैलेंस ब्रेक की बात करते हैं. डेस्टिनेशन विद कंटेंट पार्टनर पैकर प्रेजेंट्स द सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोग्राम CMA. वी आर पार्ट ऑफ द चेंज. लाइव ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड क्लासेस. कॉन्टैक्ट CMA@VGLDI.com. Who doesn't see as a trusted qualification for skilled professionals? With no aggregation, no grouping, and with exams every quarter, ACCA ensures faster progression in your career. Now, here's the silver lining. You may gain exemptions in ACCA on the basis of your present qualification and an exclusive scholarship from VG Learning. Can you please start the class? So, hum break se pehle kar rahe the ki software 143(1) mein ye adjustments kar sakta hai. आपको एग्जाम में MCQ दे सकते हैं कि कौन सी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती अंडर 143(1). ATIA डिसअलाउ हो सकती है अगर रिटर्न लेट फाइल हुई हो. लॉस जो आपने क्लेम किया है डिसअलाउ हो सकता है इफ रिटर्न इज फाइल लेट. टैक्स ऑडिट में जो डिसअलाउंस हैं वो डिसअलाउ हो सकती हैं. अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसअलाउ किया है और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा उसके बारे में, एक्सपेंस डिसअलाउबल एज पर सुप्रीम कोर्ट, ये डिसअलाउ नहीं हो सकता. सो स्टेप वन में सॉफ्टवेयर आपकी इनकम निकालेगा आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स. पेज 40 पे अपने एडजस्टमेंट्स की. और एडजस्टमेंट्स नहीं है तो जो आपने इनकम निकाली है उसी को असेस कर लेगा. फिर स्टेप बी में आएगा सॉफ्टवेयर. तो स्टेप ए में सॉफ्टवेयर आपकी इनकम कंप्यूट करेगा, एडजस्टमेंट्स करेगा. अब एडजस्टमेंट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपकी इनकम डिक्लेयर्ड है वो ही टोटल इनकम मान लेगा. फिर स्टेप बी में आएगा, यानी इनकम में एडजस्टमेंट्स की तब भी, इनकम में एडजस्टमेंट्स नहीं की तब भी स्टेप बी में आएगा. फिर वो आपका टैक्स इंटरेस्ट निकालना चाहेगा और फी अंडर 234F कंप्यूट की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम कंप्यूटेड अंडर क्लॉज बी, क्लॉज ए. रिटर्न इनकम थी आपकी 100,000. 143(1) में 100,000 ही निकाली गई तब भी स्टेप बी फॉलो करेगा. 143(1) में 150 लाख निकाली गई या 90 लाख निकाली गई तब भी स्टेप बी फॉलो करेगा. तो अब आपका चाहे इनकम 100 लाख निकली, चाहे 150 निकली, 90 निकली, रिटर्न इनकम 100 है,
पहले केस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पहले केस में अपवर्ड एडजस्टमेंट्स हैं, दूसरे केस में कुछ अलाउ कर दिया उसने जो नॉर्मली नहीं होता, ये नॉर्मली नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता ये। फिर आपका टैक्स इंटरेस्ट ऑफ फी निकालेगा और फिर जो आपने जमा कर दिया है उसे लेस कर देगा। द सम पेबल और अमाउंट रिफंड ड्यू टू द असेसी शैल बी डिटरमिन्ड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड फी अंडर 234F इफ कंप्यूटेड अंडर क्लॉज बी, उसे आप रिड्यूस करेंगे, एडजस्ट करेंगे उसमें से क्या TDS, TCS, एडवांस टैक्स, रिलीफ अलाउबल अंडर सेक्शन 89, 90, 90A, 91, टैक्स पेड ऑन सेल्फ असेसमेंट, एनी अमाउंट पेड अदरवाइज बाय वे ऑफ टैक्स इंटरेस्ट फी अंडर 234F। तो जो आपके रिलीफ है वो दे दिए जाएंगे, जो आपने प्रीपेड टैक्सेस पे किए, जो आपने फीस पे की थी 234F में 140A के टाइम, वो सब लेस कर दी जाएंगे। अगर टैक्स पेबल है टैक्स की डिमांड निकाल देंगे, अगर रिफंडेबल है रिफंड ग्रांट कर देंगे आपको। सो स्टेप ए में आपकी इनकम निकालता है सॉफ्टवेयर, ऐसा पॉसिबल है कि जो आप इनकम निकालिए उसी को एक्सेप्ट कर ले या फिर बढ़ा दे, घटा भी सकता है, प्रैक्टिकली नहीं होता। स्टेप बी में आपका टैक्स इंटरेस्ट फीस निकाली जाएगी। स्टेप सी में जो आपके रिलीफ हैं 89, 90, 90, सब करेंगे रिलीफ वाले, ये लेस कर देगा। प्रीपेड टैक्सेस, TDS, TCS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सब लेस कर देगा। और अगर कोई रिफंड निकल रहा है रिफंड दे देंगे आपको। अगर टैक्स पेबल बन रहा है तो टैक्स रिफंड पेबल की डिमांड आ जाएगी। अब जो कागज प्रिपेयर करेंगे उसे असेसमेंट ऑर्डर नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, इंटीमेशन। इंटीमेशन शैल बी प्रिपेयर्ड और जनरेटेड एंड सेंड टू द असेसी स्पेसिफाइंग द सम डिटरमिन्ड टू बी पेबल और अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू द असेसी अंडर क्लॉज। तो इंटीमेशन भेजी जाएगी आपका इतना टैक्स पेबल है या इतना रिफंडेबल है, और अगर आपका रिफंड बन रहा है वो आपको दे दिया जाएगा। डी ई, द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू द असेसी इन पर्सन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लॉज शैल बी ग्रांटेड टू द असेसी। अब लॉ कहता है हम इंटीमेशन आपको सिर्फ तीन केस में भेजेंगे। इंटीमेशन, अच्छा आपकी कुछ क्वेरीज है कि सपोज मैंने रिटर्न फाइल की 100 लाख की, उसमें रिफंड आ रहा है 2 लाख का, कोई एडजस्टमेंट नहीं करा सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो मेरी रिटर्न ये थी, सब कुछ ठीक है, आपको रिफंड दे देगा 2 लाख रुपए का। इंटीमेशन आपको सिर्फ तीन केस में भेजी जाएगी जहां टैक्स पेबल निकल रहा है या फिर टैक्स रिफंडेबल में निकल रहा है या फिर कोई एडजस्टमेंट की जा रही है, चाहे टैक्स पेबल रिफंडेबल नहीं निकल रहा, कैसे हो सकता है। सो इंटीमेशन आपको तीन केस में भेजी जाएगी जहां टैक्स पेबल है, टैक्स रिफंडेबल है, या फिर एडजस्टमेंट की जा रही है, चाहे टैक्स पेबल टैक्स रिफंडेबल नहीं निकल रहा। फॉर एग्जांपल, मेरा रिटर्न लॉस है 5 लाख, कोई टैक्स पेड नहीं है, टैक्स पेबल निल है, रिफंडेबल निल है, अब सॉफ्टवेयर 1 लाख की एडजस्टमेंट कर देता है और इनकम -4 लाख निकाल देता है, या ना तो टैक्स पेबल आ रहा ना टैक्स रिफंडेबल आ रहा, बट आपको इंटीमेशन भेजी जाएगी। क्यों भेजी जाएगी? ताकि आपको पता चल जाए कि अगले साल आपको लॉस कितना क्लेम करना है। सो प्रोवाइडेड, देखिए, प्रोवाइडेड दैट एन इंटीमेशन शैल ऑल्सो बी सेंड टू द असेसी। सो ऊपर लिखा है इंटीमेशन भेजेंगे अगर टैक्स पेबल टैक्स रिफंडेबल है। Provided that an intimation shall also be sent to the assessee in case where loss declared in the return is adjusted, loss
इंक्रीज डिक्रीज हो गया, बट नो टैक्स इंटरेस्ट ऑफ फीस अंडर 234F इज पेबल और नो रिफंड इज ड्यू टू हिम। सो अगर आपका लॉस एडजस्ट हो रहा है, चाहे टैक्स पेबल रिफंडेबल नहीं बन रहा, तब भी आपको इंटीमेशन भेजी जाएगी। प्रैक्टिकली आज मुझे 100% केस में इंटीमेशन आती है, ऑल्दो लॉ कहता है सिर्फ 3 केस में इंटीमेशन भेजनी, बट प्रैक्टिकली मुझे 100% केस में इंटीमेशन आती है। प्रोवाइडेड फर्दर देखिएगा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो इंटीमेशन अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी सेंट। सेंट मतलब भेजना, सर्व नहीं लिखा, सर्व्ड होता है ऐसे को मिल जानी चाहिए, शैल बी सेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। पहले 1 ईयर लिखा था, इसे फाइनेंस एक्ट 21 ने 9 मंथ्स कर दिया है, 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल्ड। तो जिस साल में आपने रिटर्न फाइल की थी उसके एंड में आ जाइए, उसके 9 महीने तक आपको इंटीमेशन भेज सकते हैं, उसके बाद नहीं भेज सकते। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर मेरा रिफंड है और ये 9 महीने निकल जाते हैं तो क्या मुझे रिफंड मिलेगा? यस, लॉ तो सिर्फ कह रहा है इंटीमेशन नहीं भेजेंगे आपको आफ्टर 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड, बट रिफंड है, रिफंड दे देंगे आप। एक मिनट देखिएगा, अच्छा एक मिनट और पेज 41 पर इंटीमेशन सिर्फ 3 केस में भेजी जाएगी, इंटीमेशन 9 महीने बाद नहीं भेजी जाएगी। एक्सप्लेनेशन का क्लॉज बी देखिएगा, लॉ कहता है कि अगर आपको हम इंटीमेशन नहीं भेज रहे, क्यों नहीं भेज रहे? टैक्स पेबल नहीं है, टैक्स रिफंडेबल नहीं है, लॉस हमने चेंज नहीं किया, यानी जो आपने कहा हमने मान लिया। उस केस में जो आपकी एक्नॉलेजमेंट है रिटर्न फाइलिंग की, उसको हम डीम्ड इंटीमेशन मानेंगे 143(1). ऐसा लॉ क्यों कहता है अभी देखते हैं, बट लॉ कहता है द एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिटर्न शैल बी डीम्ड टू बी द इंटीमेशन इन केस वे आर नो सम इज पेबल बाय द सेसी रिफंडेबल टू द सेसी अंडर क्लॉज सी एंड वे आर नो एडजस्टमेंट इज मेड टू द रिटर्न लॉस। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा बिकॉज देयर इज नो टैक्स पेबल, नो टैक्स रिफंडेबल, नो एडजस्टमेंट्स, उस केस में जो आपकी एक्नॉलेजमेंट है रिटर्न फाइलिंग की, दैट विल बी डीम्ड एज इंटीमेशन अंडर 143(1). पहले आइएगा आप, पेज 46.11 देखिएगा। अभी हमने पढ़ा एस पर पेज 46.11 एस पर सेक्शन 143(1) द इंटीमेशन फॉर टैक्स पेबल रिफंडेबल शैल नॉट बी सेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, था 9 मंथ्स हो गया, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। हाउएवर ये जो लिमिटेशन 9 मंथ्स की विल नॉट अप्लाई टू इश्यू ऑफ चेक ऑफ रिफंड, रिफंड की इंटीमेशन नहीं भेज सकते 9 महीने बाद, बट रिफंड दे देंगे आपको चेक का, चेक से। देयरफॉर चेक ऑफ रिफंड कैन बी ग्रांटेड एट एनी टाइम। असेसमेंट ईयर 22-23, ड्यू डेट है मेरी 31-10-22, मैंने रिटर्न फाइल की केस 31-10-22, 31-12-22, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 23। सो इंटीमेशन आपको भेजी जाएगी बाय 31 दिसंबर 2023। केस 2, इलस्ट्रेशन 2, ड्यू डेट है 31-10-22, रिटर्न फाइल किया आपने 31-12-22 को, कब तक इंटीमेशन भेजनी है आपको? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 23, वहां से 9 महीने 31-12-2023। इंटीमेशन केस 1 इशू की गई 31-12-23 को और रिसीव हुई 4-1-24 को वैलिड है बिकॉज लॉ कहता है सेंड करनी है, आपने टाइम पे सेंड कर दी है। केस 2 है इंटीमेशन इशू हुई 1-1-2024 को और रिसीव हुई 5-1-24 को, 9 मंथ्स बाद इशू हुई है, इट्स इनवैलिड।
इलस्ट्रेशन 3 देखिएगा. असेसमेंट ईयर 22-23 ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग 31/22, रिटर्न फाइल की अपनी 31/22 को, रिफंड है 50 लाख का, तो इंटीमेशन आपको नहीं भेजी जाएगी आफ्टर 31 दिसंबर 23, लेकिन रिफंड का चेक आपको कभी भी भेजा जा सकता है. आइएगा पेज 44 पर. एनालिसिस का पॉइंट 2 देखिएगा, पेज 44. इंटीमेशन अंडर 143(1) शैल बी सेंट इन द फॉलोइंग 3 केसेस ऑनली. कौन कौन से? वेयर टैक्स इंटरेस्ट फी अंडर 234F इज फाउंड पेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स रेफर्ड इन सेक्शन 143(1) इफ एनी एंड आफ्टर गिविंग क्रेडिट ऑफ टैक्सेस एंड इंटरेस्ट एंड फीस अंडर 234F पे. अच्छा, अगर टैक्स पेबल आ रहा है तो इंटीमेशन भेज जाएगी. अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं की गई और आपने टैक्स कम पे किया था तो भी इंटीमेशन आ जाएगी टैक्स पेबल की. आपने 100 लाख की इनकम दिखाई, सपोज 30 लाख टैक्स बन रहे, आपने 20 लाख पे किया था, सिस्टम ने कोई एडजस्टमेंट नहीं की, इनकम 100 लाख ही निकाली, बट जो 10 लाख आपने कम पे किया है उसकी इंटीमेशन आ जाएगी. 2, वेयर टैक्स इंटरेस्ट इज फाउंड रिफंडेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स रेफर टू इन 143(1) इफ एनी एंड आफ्टर गिविंग क्रेडिट फॉर टैक्सेस इंटरेस्ट पेड, कोई रिफंड बन रहा है आपको दे दिया जाएगा और इंटीमेशन भेजी जाएगी. मेरा 100 लाख की रिटर्न है, 30 लाख का टैक्स है, मैंने 40 लाख पे कर दिया है, सिस्टम ने कोई एडजस्टमेंट नहीं की, फिर भी मुझे 10 लाख इंटीमेशन भेजेंगे रिफंड की. तीसरा है, वेयर एडजस्टमेंट रेफर्ड इन 143(1) हैव मेड रिजल्टिंग इन इंक्रीज रिडक्शन ऑफ लॉस डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी एंड नो टैक्स इंटरेस्ट फी अंडर 234F इज पेबल बाय द एसएससी और रिफंडेबल टू द एसएससी, जहां लॉस एडजस्ट हो रहा है वहां भी आपको इंटीमेशन भेजी जाएगी. इफ देर इज नो टैक्स इंटरेस्ट फी अंडर 234F पेबल और रिफंडेबल टू द एसएससी ऑन द बेस ऑफ रिटर्न एंड नो एडजस्टमेंट इज मेड रिजल्टिंग इन रिडक्शन इंक्रीज ऑफ लॉस, देन इंटीमेशन अंडर 143(1) शैल नॉट बी सेंट टू द एसएससी. इस केस में जो एक्नॉलेजमेंट है रिटर्न फाइलिंग की, दैट इज डीम्ड एज इंटीमेशन अंडर 143(1). प्रैक्टिकली आपको इंटीमेशन आज 100% केस में आती है. बताइए 143(1) इंटीमेशन आने के बाद क्या केस आपका स्क्रूटनी में लग सकता है? यस, लग सकता है. सो हम देखेंगे, इवन 143(1) की इंटीमेशन नहीं आई तब भी केस आपका स्क्रूटनी में लग सकता है. सो 143(1) कोई असेसमेंट नहीं है. सो 143(1) हो गया नहीं हुआ, दोनों केस में केस आपका स्क्रूटनी में लगा सकते हैं. सो स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए नोटिस देना होता है 143(2) में. स्क्रूटनी असेसमेंट जो होती है 143, उसको करने के लिए नोटिस देना होता है 143(2) में. नोटिस पेज 44 पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, नोटिस अंडर 143(2) स्क्रूटनी के लिए कैन बी इशूड इवन इफ इंटीमेशन अंडर 143(1) हैज बीन इशूड टू द एसएससी. Even in cases where acknowledgement is deemed as intimation under 143(1), notice under 143(2) can be issued. एक concept देखिए, AO के order के against आपके पास 3 remedies होती हैं. अगर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है तो उसे 154 में ठीक करा सकते हैं, या फिर आप सीआईटी पीएस के पास जा सकते हैं, या फिर सीआईटी अंडर 264 के पास जा सकते हैं. एओ के ऑर्डर अगेंस्ट आपके पास 3 रेमेडी होती हैं. अगर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड इन द ऑर्डर ऑफ एओ 154 मूव कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपील में जा सकते हैं या फिर कमिश्नर के पास 264 में जा सकते हैं. मैंने बताया था 143(1) ऑर्डर नहीं होता,
अब 143(1) में कोई एडजस्टमेंट्स हो गई और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, जैसे कि आपका लॉस डिसअलाउ हो गया, कैरेट फॉरवर्ड लॉस डिसअलाउ हो गया, ऑल दो आपने सीआईटी चीफ सीआईटी से कंडोनेशन ऑफ डिले ले लिया था, तो क्या रेमेडी आपके पास? इन लोगों ने 143(1) के अगेंस्ट दो रेमेडी अलाउ की, दिस वन एंड दिस वन। तो 143(1) इंटीमेशन से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप 154 में जा सकते हैं या फिर अपील में जा सकते हैं, बट 264 पॉसिबल नहीं है, 264 पॉसिबल नहीं है, लॉ में लिखा हुआ है। देखिएगा 143(1) पेज 44.5 इज नॉट एन असेसमेंट बट इज एन इंटीमेशन और डीम्ड इंटीमेशन। इंटीमेशन डीम्ड इंटीमेशन इज नॉट एन असेसमेंट ऑर्डर। लॉ के हिसाब से अपील टू सीआईटीपीएस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एओ। सिमिलरली 264 एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं सीआईटी को या सीसीआईटी को फॉर रिवाइजिंग द ऑर्डर ऑफ एओ। इन्होंने लॉ में अमेंडमेंट की और कहा कि 143(1) के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं, 264 पॉसिबल नहीं। एज पर अमेंडमेंट मेड इन लॉ एन अपील इज पॉसिबल टू सीआईटीपी अगेंस्ट द इंटीमेशन डीम्ड इंटीमेशन अंडर 143(1). हाउएवर नो रिविजन एप्लीकेशन अंडर 264 कैन बी मेड टू द सीआईटी फॉर रिवाइजिंग एन इंटीमेशन और डीम्ड इंटीमेशन। सो 143(1) के अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हैं अगर सेटिस्फाइड नहीं है, 264 पॉसिबल नहीं है। इवन कमिश्नर 263 नहीं कर सकता बिकॉज 263 में लॉ लिखा हुआ है, हम इसी मॉड्यूल में पढ़ेंगे कि 263 में कमिश्नर रिवाइज करता है ऑर्डर ऑफ एओ एंड 143(1) इज नॉट एन ऑर्डर। एज पर लॉ पेज 45 अंडर सेक्शन 263 द सीआईटी कैन रिवाइज द ऑर्डर ऑफ एओ। 143(1) ऑर्डर नहीं होता, देयरफॉर 263 में 143(1) को रिवाइज नहीं कर सकते, यानी 143(1) कैन नॉट बी रिवाइज आइदर अंडर 263 और 264। हां, 154 इन्होंने ओपन कर दिया। एज पर प्रोविजंस ऑफ 154 द एओ विद अ व्यू टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय हिम या फिर इंटीमेशन अंडर 143(1) भी अमेंड कर सकता है। The amendment under 154 is done by passing a rectification order under 154. आज ये काम AO नहीं करता है। आप rectification application CPC Bangalore को move करते हैं और CPC Bangalore rectification order pass करता है। So आज हमने यहां AO लिखा हुआ है but it's CPC Bangalore. Therefore, under section 154, the AO has the power to rectify a mistake apparent from record in the intimation, deemed intimation under 143(1). A SESI can seek rectification under 154 of any mistake apparent from record in the intimation, deemed intimation under 143(1). Law mein AO likha, but practically, aap application 154 ki dete hain CPC Bangalore ko aur rectification order अंडर 154 सीपीसी बेंगलोरी पास करता है। आप एग्जाम में सीपीसी बेंगलोरी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल वन देखिएगा, आपको 143(1) की इंटीमेशन आई, उसमें 2.5 लाख का टीडीएस का क्रेडिट नहीं दिया गया, फॉर्म 26(S) में नहीं आ रहा था आपका, और आपके डिमांड निकाल दी गई 250 की, लेकिन असेसी के पास प्रूफ है कि 250 टैक्स डिडक्ट हो गया है और पे हो गया है, जो डिडक्टर है उसने सही फाइलिंग नहीं की इसलिए 26(S) में नहीं आ पाया, तो अब आप 154 में जाकर इस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। जो टीडीएस सर्टिफिकेट है सीपीसी बेंगलोर को सबमिट कर दीजिए, सीपीसी बेंगलोर वेरीफाई करेगी
कि टीडीएस वाकई में कटा था, पे हुआ था, और आपको क्रेडिट दे देंगे और आपकी डिमांड निल कर देंगे. इन दिस केस द असेसी शुड मेक एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन अंडर 154 फॉर क्लेमिंग द क्रेडिट ऑफ टीडीएस ऑफ 250. और ये एप्लीकेशन आप देंगे सीपीसी बेंगलोर को. इन द एप्लीकेशन ही शुड गिव डिटेल्स ऑफ द टीडीएस. जो टीडीएस कटा है उसकी पूरी डिटेल, पे कब हुआ वो सब, टीडीएस सर्टिफिकेट. क्रेडिट ऑफ 250 शैल बी गिवन एंड डिमांड अंडर 143(1) विल बी रिड्यूस टू निल बाय पासिंग अ रेक्टिफिकेशन ऑर्डर अंडर 154. ऑल्टरनेटिवली आप अपील कर सकते हैं सीआईटी अपील्स को और रिलीफ ले सकते हैं सीआईटी अपील से. अब आप कहेंगे डीम्ड इंटीमेशन का क्या चक्कर है. डीम्ड इंटीमेशन के अगेंस्ट 154 क्यों मूव करूंगा, वो तो मेरी एक्नॉलेजमेंट है रिटर्न फाइलिंग की. एग्जांपल देखिए, रियल लाइफ एग्जांपल है. असेसी कंपनी है मान लीजिए, रिटर्न फाइल की एज अंडर, शॉर्ट टर्म कैप गेन दिखा है 100 लाख के, और ये शॉर्ट टर्म कैप गेन शेयर मार्केट के हैं जिसमें 15% टैक्स लगना चाहिए, बट असेसी के सीए को मालूम नहीं था लॉ, उसने 30% टैक्स लगा दिया. सरचार्ज लगेगा नहीं, 100 लाख से ऊपर इनकम नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर नहीं है. सो असेसी ने 3120 टैक्स पे कर दिया और उसके हिसाब से 3120 बन रहा था. सिंस जब रिटर्न प्रोसेसिंग में गई, कोई टैक्स पेबल नहीं है, रिफंडेबल नहीं है, कोई इंटीमेशन नहीं आई, असेसी 100% प्रूव कर सकता है कि टैक्स 15% बनना चाहिए. यहां बस क्या रेमेडीज हैं, एक तो रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, बट आज रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं सिर्फ 31 दिसंबर तक, वो टाइम निकल गया. सपोज आप 154 में जा सकते हैं अगेंस्ट द डीम्ड इंटीमेशन अंडर 143(1). No intimation under 143(1) is received and return filed by the assessee is processed under 143(1) without any demand refund. Assessee देखता है कि cap gains 15% पे टैक्स होने चाहिए थे under 111A. What is the remedy available to the assessee? Since no intimation under 143(1) has been received, the acknowledgement of filing of return is deemed as an intimation under 143(1). Assessee या तो revision file कर सकता है, वहां tax 15% का दिखा सकता है, या फिर 154 move कर सकता है stating that correct tax is 15.6 instead of 31.2. Mistake 154 में ठीक कर दी जाएगी और रिफंड मिल जाएगा उसे. या फिर अगर रिवाइजन का टाइम निकल गया है 154 में कर सकते हैं, या फिर अपील भी दे सकते हैं आप, सीआईटी अपील में जाकर रिलीफ मिल जाएगा आपको. बिकॉज डीम्ड इंटीमेशन के लिए 154 और अपील टू सीआईटी अपील दोनों पॉसिबल है. बताइए 143(1) इंटीमेशन आने के बाद क्या मैं रिटर्न रिवाइज कर सकता हूं? यस, बिकॉज 143(1) असेसमेंट नहीं होती, वो तो इंप्लाइड है कि आप रिटर्न जो रिवाइज कर सकते हैं इट इज 3 months बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. आर रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139(5) इवन आफ्टर द रिसीट ऑफ इंटीमेशन अंडर 143(1) सिंस 143(1) असेसमेंट नहीं होती. Therefore, return can be revised under 139(5) even if there is an intimation, deemed intimation subject to conditions and time limits of 139(5). एक कंसेप्ट देखिए, नथिंग टू डू विद 143(2), नथिंग टू डू विद 143(2), सॉरी 143(1). सपोज 143(3) में
असेसमेंट हुई, 1 करोड़ इनकम बढ़ा दी गई और 30 लाख का टैक्स निकाला गया। क्या ईओ सेफ आपको 1433 ऑर्डर देगा? सुनिए, इनकम टैक्स लॉ में कोई भी डिमांड निकाली जाएगी वो डिमांड इन्फोर्सेबल तब होगी जब आपको नोटिस ऑफ डिमांड देगा ईओ 156 में। तो सिर्फ असेसमेंट करके 30 लाख का टैक्स निकाल दिया आपका, तो 30 लाख की डिमांड एनफोर्सेबल नहीं होगी। डिमांड एनफोर्सेबल तब होती है जब एओ आपको डिमांड नोटिस भेजता है 156 का। ऐसे ही एओ ने आपके ऊपर पेनल्टी ऑर्डर लगा दिया, बुक्स ना मेंटेन करने के लिए 25,000 की पेनल्टी लगा दी। इस पेनल्टी ऑर्डर के साथ एओ इशू करेगा नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 156। तो आप देखेंगे इनकम टैक्स में एओ कोई भी ऑर्डर पास करेगा, चाहे असेसमेंट का, पेनल्टी का, और उसमें डिमांड निकालेगा, पेनल्टी लगाएगा, उसके साथ आपको देगा नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 156। जब तक नोटिस ऑफ डिमांड आपको सर्व नहीं होगा तब तक डिमांड आपके ऊपर एनफोर्सेबल नहीं होगी। अपने ऑफिस में देखिएगा 1433 ऑर्डर के साथ हमेशा स्टेपल होके आएगी 156 नोटिस ऑफ डिमांड। कोई भी पेनल्टी ऑर्डर होगा उसके साथ स्टेपल होके आएगा नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 156। तो अभी आप लोग नहीं देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, आप लोग नहीं देखेंगे बट मतलब मॉड्यूल रेफर नहीं करेंगे आप, बट मैं आपको दिखाता हूं। आप लोग मॉड्यूल मत देखिए, इधर देखिएगा, एक सेक्शन 156 होता है, पढ़ेंगे प्लीज, जो कहता है वेयर एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन एनी द सम इज पेएबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट। कोई भी ऑर्डर पास होता है, चाहे असेसमेंट ऑर्डर, पेनल्टी ऑर्डर, तो ईओ को सर्व करना पड़ेगा सेसी पर अ नोटिस ऑफ डिमांड स्पेसिफाइंग द सम सो पेबल। अब इशू उठता है कि जो 1431 में डिमांड निकाली, क्या उसके लिए आपको डिमांड नोटिस आएगा? यहां अमेंडमेंट की, यहां लिखा गया जो इंटीमेशन है 1431 की उसको हम डीम कर लेंगे एज अ नोटिस ऑफ डिमांड provided that where any sum is determined to be payable by the assessee under 143(1), so intimation under this section shall be deemed to be notice of demand for the purpose of this section. So, यहां आपको notice of demand नहीं आएगा 143(1) में, जो 143(1) intimation है, law कह रहा है उसको ही हम deem कर लेंगे notice of demand। आप आगे पढ़ेंगे कि जब भी आपको 156 का डिमांड नोटिस सर्व हो जाता है आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ती है, और 30 दिन में पेमेंट नहीं किया आपने तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। अब यहां देखिएगा पेज 46.10, the demand in the intimation issued under 143(1) should be paid within 30 days from the date of receipt of such intimation. क्यों? क्योंकि intimation is deemed as notice of demand. If the assessee fails to pay the demand within the set for 30 days, उसको हम deem कर लेंगे assess in default, interest under 220, penalty under 221 लग जाएंगे।
अब आप कह रहे हैं कि सपोज मुझे 1122 को 1431 का डिमांड नोट दिया गया इंटीमेशन, और उसमें 500,000 की डिमांड निकाल दी गई, और मैं इसके अगेंस्ट अपील कर रहा हूं, तो हम पढ़ेंगे भी हम कि इस केस में हम स्टे ऑफ डिमांड लेते हैं, ये सब अपील्स वगैरह में पढ़ेंगे। तो इस केस में स्टे ऑफ डिमांड ले लेते हैं हम, और टैक्स नहीं पे करना होता, अपील के बाद टैक्स पे करना होता, आपको छोड़ दीजिए अभी नहीं करते। सो आई होप 1431 इज क्लियर टू यू। एक सेक्शन आया था 143(1)(d) आया था, 4 साल ऑपरेशन में रहा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बार बार इसमें अमेंडमेंट की, बट लोग इस सेक्शन से दुखी थे। इस सेक्शन में क्या लिखा था देखिए, सपोज असेसमेंट या 21-22 है, मेरी ड्यू डेट है 31-21, मैंने रिटर्न फाइल कर दी 31-10-21 को, और यहां मेरा रिफंड आ रहा था 1 करोड़ रुपए का। क्या हुआ कि शुरू में मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, मैंने एडवांस टैक्स 1 करोड़ दे दिया, बट कोविड आने से, सपोज मैं होटल का बिजनेस करता था, पहले क्वार्टर में 4 करोड़ के प्रॉफिट थे, 1 करोड़ एडवांस से जमा कर दिया, बट कोविड आने से होटल बंद हो गए, लॉसेस आ गए मुझे, मेरा रिफंड बन गया। अब ये केस मेरा मान लीजिए 15/11/21 को मुझे स्क्रूटनी का नोटिस आ गया, 1432 का नोटिस आ गया। अब ये सेक्शन बोलता था कि अगर आपने रिटर्न फाइल की, रिटर्न में रिफंड है और केस आपका स्क्रूटनी में लग गया, तो आपकी 1431 प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी, आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। एओ जब 1433 कंप्लीट करेगा उसके बाद आपको रिफंड मिलेगा, और 1433 हम देखेंगे कंप्लीट करने का टाइम होगा 31 दिसंबर 2022। अब देखिए मेरा नियरली सवा साल आपने रिफंड रोक लिया। सो एक 1431(d) लेके आए थे जिसमें लिखा था कि अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी उसमें रिफंड आ रहा है, और केस आपका स्क्रूटनी में लग गया, तो अब आपकी रिटर्न की 1431 में प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी, रिटर्न को सीपीसी बेंगलोर से हटवा दिया जाएगा, और आपकी 1431 प्रोसेसिंग नहीं होगी, रिफंड नहीं मिलेगा आपको। जब ईओ असेसमेंट कंप्लीट करेगा वहां रिफंड निकालेगा तब आपको रिफंड मिलेगा, और हम देखेंगे असेसमेंट कंप्लीट करने में उसे इतना टाइम लग जाएगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे लग जाता है इतना टाइम। बट आप देखिए मेरा 1 साल 2 महीने रिफंड रुक गया, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, रिफंड रोक के बैठ गया मेरा। सो ये 143(1)(d) था कि केस स्क्रूटनी में आ गया, रिफंड का केस है तो 143(1) प्रोसेसिंग नहीं होगी और रिफंड नहीं मिलेगा आपको, रिफंड मिलेगा जब स्क्रूटनी असेसमेंट कंप्लीट होगी। काफी डिस्कशंस के बाद ये सेक्शन डिलीट किया गया, और गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, हम लॉ में एक नया सेक्शन बना देते हैं। तो ये सेक्शन डिलीट हो गया। यानी अगर आपका रिफंड है, केस स्क्रूटनी में आ जाता है, तो भी आपकी प्रोसेसिंग करके आपको रिफंड दे देंगे, बाद में ये वो क्या करता है वो देखी जाएगी, रिफंड मिल जाएगा आपको।
to protect the interest of revenue, एक सेक्शन लेके आया 241A. अगर एओ देखता है कि असेसी जो है हैबिचुअल टैक्स ऑफेंडर है, पास्ट में इसे टैक्स रिकवरी नहीं की गई थी, नहीं की जा पा रही थी, कॉपरेट नहीं करता था, तो अगर एओ देखता है कि असेसी टैक्स ऑफेंडर है, इवेडर है और इससे रिकवरी करना मुश्किल है, तो उस केस में एओ अगर ये वाला केस इस असेसी का है तो एओ रिफंड रोक सकता है. बट लॉ में एडिक्वेट सेफगार्ड लाए गए कि रिफंड रोकने के लिए वो क्या करेगा. सेक्शन 241A देखिएगा, पेज 47. सो 143(1)(d) इज डिलीटेड. अगर आपने रिटर्न फाइल की, रिफंड है आपका, केस स्क्रूटनी में आ जाता है, रिफंड मिल जाएगा आपको, असेसमेंट की वेट नहीं करेंगे, रिफंड दे देंगे आप. बट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू 241A लेके आए कि हम रिफंड विदहोल्ड करने की पावर ले रहे हैं. Where any refund of any amount becomes due to the assessee under the provisions of 143(1), refund ban gaya aapka, and AO is of the opinion, kya, having regard to the fact that notice has been issued under 143(2), aur aapko suiting a notice de diya gaya hai, that the grant of refund is likely to adversely affect the revenue. EO बताएगा कि पास में यह असेसी टैक्स ऑफेंडर रहा है, इससे रिकवरी पॉसिबल नहीं हुई थी, ये हर बार रिफंड क्लेम करके ले जाता था और बाद में इसकी बड़ी बड़ी इनकम निकाली जाती थी, टैक्स नहीं पे करता था. तो ये कह रहे हैं वेयर एनी अमाउंट ऑफ रिफंड बिकम्स ड्यू टू द असेसी अंडर 143(1), EO ओपिनियन का है कि नोटिस 143(2) का आपको इश्यू हो गया है कि रिफंड is likely to adversely affect the revenue, he may, for reasons to be recorded in writing and with the previous approval of commissioner, withhold the refund up to the date the assessment is completed. Therefore, a refund 143(1) mein grant kar diya jayega even if the case is selected for scrutiny, but AO has been given the power to withhold the refund up to the date on which assessment is made under 143(3), only in cases where AO is of the opinion that grant of refund is likely to adversely affect the interest of revenue, massive tax evasion detected, assessee habitual tax offender hai. But in this case, AO ko previous approval nahi padegi CIT ko, aur reason record karne padenge apni file mein, कि रिफंड अगर दे दिया गया तो किस तरह से इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इफेक्ट हो. हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्क्रूटनी असेसमेंट. स्क्रूटनी असेसमेंट 143(3) में होती है. इसके लिए नोटिस देता है एओ 143(2) में. 3-5% केसेस स्क्रूटनी में सेलेक्ट किए जाते हैं. पहले क्या होता था कि एओ जो है ये केसेस स्क्रूटनी में सेलेक्ट करता था. अब देखिए किस तरह करप्शन होती थी. एओ के पास 2000 फाइलें हैं, असेसी हैं, रिटर्न्स हैं. एओ इन 2000 असेसीज को फोन करता था, इनके सीएस को फोन करता था कि आपसे मिलना चाहता हूं मैं. आप मिलने जाते थे तो आपसे कहता था कि मैं केस आपका स्क्रूटनी में लगा रहा हूं, अगर बचना है तो 10,00,000 रुपए दे दीजिए. अब मान लीजिए इसमें से 500 लोग भी फंस जाते हैं. देखिए आज मेरा केस स्क्रूटनी में लगता है, 10 झमेले होते हैं, टाइम लगता है. सपोज 2000 में से 500 लोग फंस गए, उन्होंने कहा ठीक है आप पैसे ले, खत्म.
और सपोज ये 500 लोग इसे 2,00,000 रुपए दे देते, कितना हो गया? 10,00,000, 10 करोड़। सो एओ हर साल 10 करोड़ टैक्स फ्री इनकम अर्न कर जाता था। सो पहले पूछेगा अपने सीए से, ऐसा होता था एओ से फोन आता था कि केस स्क्रूटनी में लगा रहे हम, बचना है तो 10,00,000 दे दीजिए, आप 2,00,000 देकर कहते थे मत लगा। जब गवर्नमेंट ने देखा ऐसा हो रहा है तो गवर्नमेंट ने कहा अब ये पावर हम स्क्रूटनी सिलेक्शन में केस कौन सी आएंगी एओ से हटाकर हम सीआईटी को दे देते हैं। और जब सीआईटी को दी गई तो उल्टे रेट बढ़ गए, जहां एओ 10 करोड़ कमाता था सीआईटी 20 करोड़ कमाने लगा। एंड देयरफॉर गवर्नमेंट ने कहा अब कोई ह्यूमन बीइंग कोई ह्यूमन बीइंग केस स्क्रूटनी में सेलेक्ट नहीं करेगा। गवर्नमेंट ने कहा हमारा कास्ट कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिलेक्शन होगा, यानी अब सॉफ्टवेयर केस स्क्रूटनी में सेलेक्ट करेगा। इन्होंने रूल्स बना दिए कि कौन से केसेस स्क्रूटनी में आने चाहिए। इनफैक्ट अगर गूगल पे जाएं टाइप करिएगा गाइडलाइंस फॉर सेलेक्शन ऑफ स्क्रूटनी केसेस, आपको गाइडलाइंस आ जाएंगी। जैसे कि अगर आपने टैक्स एग्जेम्प्ट इनकम 10,00,000 से ऊपर दिखाई हुई है, केस आपका स्क्रूटनी में आ जाएगा। चैप्टर 6 से डिडक्शंस आपने 50,00,000 से ऊपर क्लेम की है, केस स्क्रूटनी में आ जाएगा। आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं 1 करोड़ से ऊपर, केस स्क्रूटनी में आ जाएगा। सो इस तरह क्राइटेरिया है। और अपने ऑफिस में देखिएगा जो भी स्क्रूटनी का नोटिस आएगा उसमें लिखा होगा दिस केस हैज बीन सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी बाय कास, नीचे लिखा होता उसमें दिस केस हैज बीन सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी बाय कास। सो मोदी ने पूरी करप्शन ही डिपार्टमेंट से खत्म कर दी। हम देखेंगे उसने सारी असेसमेंट 143(3), 144 की फेसलेस कर दी, यानी अब आपको पता नहीं होगा कि कौन सा एओ आपकी असेसमेंट कर रहा है। हम नेक्स्ट लेक्चर में 143 करेंगे, 144 करेंगे, वहां कहेंगे कि एओ असेसमेंट करेगा। बट उसके बाद हम पढ़ेंगे फेसलेस असेसमेंट, जहां एओ की सारी पावर्स खत्म करके नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को दे दी गई। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। We'll stop here.